बजरंग भाऊ आप है क्या लाइन पे? हाँ लाइन पे हम। मोदी सर, एक मिनट, मोदी सर आएंगे लाइन पे। हाँ यस, मोदी सर स्टार्ट करें। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। माहेश्वरी जिला युवा संगठन एवं माहेश्वरी मंडल एवं माहेश्वरी इंडस्ट्रियल ग्रुप की ओर से मैं सी रमन लोया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम नोट के लिए मैं हमारे अध्यक्ष बजरंगी नावंदर को विनंती करता हूँ कि वो 2 शब्द कहे। जय महेश, आ रहा है आवाज रमन जी? यस यस जय महेश। औरंगाबाद जिला माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा आयोजित इस क्वारंटाइन सेमिनार सीजन 3 का यह हमारा लास्ट वेबिनार है। मैं बजरंग नावंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में यह हमारा 12वां वेबिनार है। आप सभी श्रोतागणों के सहयोग से यह सभी वेबिनार हम सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। विश्वास है आप सभी के इस वेबिनार के जरिए अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। इस सफलता का श्रेय हमारी औरंगाबाद जिला माहेश्वर युवा संगठन के सदस्य एवं इस क्वारंटाइन सेमिनार के प्रोजेक्ट चेयरमैन श्री सीए रमन जी लोया, सीए आनंद जी तोतला, अनुज जी चांडक, सॉरी माफी चाहता हूँ, अनुज जी सारडा और उत्सव जी भाईती। और मैं ये बताना चाहता हूँ इस वेबिनार के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू हमने सब वेबिनार लिए है मैक्सिमम, इसके अंदर 4 से 5 हजार लोगों ने इस वेबिनार का लाभ उठाया है। और साथ ही हमने इसे फेसबुक लाइव और यूट्यूब में लिंक भी किया है। इसके थ्रू करीब करीब 10 हजार लोगों ने इस वेबिनार का फायदा लिया है। और आगे का 2 शब्द कहने के लिए मैं अभी औरंगाबाद जिला माहेश्वर युवा संगठन के अध्यक्ष श्री सी एस सोनी बहु को मैं मोदी जी, नमस्ते जी। नमस्ते। कोरोना के महामारी बीमारी के वजह से 2.5 महीने से हमारा देश लॉकडाउन था। इस 2.5 महीने के लॉकडाउन में हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही चरमा गई। उसी के लिए माननीय पंत प्रधान जी ने एक 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है ताकि फिर से हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी तरह हो और देशवासियों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। इसीलिए उन्होंने एक 20 लाख करोड़ का पैकेज जो डिक्लेयर किया है उसमें कई अलग अलग सब्सिडीज, अलग अलग लोन, इस प्रकार से कई बातें उसमें दी हुई है। यह बातें हमारे पूरे समाज के लोगों तक पहुंचे और वो उसका फायदा उठाए। इसीलिए माहेश्वरी युवा संगठन ने बहुत ही मेहनत लेकर ये वेबिनार रखा है। कल के वेबिनार में श्रीकांत जी भूतड़ा पुणे, इन्होंने एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं इसके बारे में बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जो बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में बताया। आज के सेशन में आदरणीय सीए श्री जीबी मोदी जी से हम इंडस्ट्रियल सब्सिडी के बारे में जानेंगे तथा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या इंस्टीट्यूट है इसके बारे में हमें उनसे जानकारी मिलने वाली है। पिछले 30 वर्षों का अनुभव मोदी जी हमारे सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और हम सभी लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेंगे। जय महेश। थैंक यू अंकल।
अभी जीबी मोदी सर का परिचय मैं सबको बताना चाहूंगा। मैंने जब उनका पूरा परिचय पढ़ा और उनका जिस तरह से एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि सर को सब्सिडी गुरु कहने में कोई हरकत नहीं है। अभी मैं विस्तार में सर का परिचय देता हूँ। सर क्वालिफिकेशन से बीकॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सर ने सर्टिफिकेशन कोर्स इन कोऑपरेटिव ऑडिट, सर्टिफिकेशन कोर्स इन कॉन्करेंट ऑडिट, सर्टिफिकेशन कोर्स इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एज वेल एज सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन एडीआर दैट इज आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एंड मेडिएशन कंप्लीट किया है। सर इज अपॉइंटेड एज अ एक्सपर्ट ऑन द पैनल ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ऑफ नीति आयोग। सर ने एक किताब भी लिखी है जिसके को ऑथर है प्रैक्टिस मैनुअल ऑन पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2013। सर धुड़े ब्रांच के चेयरमैन रह चुके हैं 2015-16 में, वाइस चेयरमैन रह चुके हैं 2014-15 में और सर चेयरमैन ऑफ विकास धुड़े ब्रांच 2014-15 में रह चुके हैं। सर वॉज गवर्निंग काउंसिल मेंबर ऑफ लघु उद्योग भारती धुड़े फॉर 2015-17। सर इज द सेक्रेटरी ऑफ अग्रवाल मेडिकल सेल धुड़े। स्पेशल अचीवमेंट सर की, सर इज अ फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया कॉटन जीन प्रेस एसोसिएशन। सर इज अ धुड़े डिस्ट्रिक्ट कन्वेयर ऑफ बीजेपी इंडस्ट्री सेल। ये सर के बारे में था, अभी उनका अनुभव जानते हैं। सर इज अ कंटिन्यूअसली इन प्रैक्टिस फॉर 30 ईयर्स एज अ पार्टनर विथ मोदी एंड अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका ऑफिस मुंबई तथा औरंगाबाद धुले जलगांव और पुणे में है। सर का स्पेशलाइजेशन, सर ने अलग अलग डिपार्टमेंट से सब्सिडी क्लाइंट लोगों को लाके दिए जैसे ऑप्टेनिंग सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्टेनिंग सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्टेनिंग सब्सिडी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ऑप्टेन सब्सिडी फ्रॉम नाबार्ड, then National Horticulture Board as well as Ministry of Food Processing from Central Government and the most important Venture Capital Assistance from SFAC New Delhi. Then sir ne kon kon se project handle kiye throughout the life. Sir obtained subsidy for more than 300 ginning and pressing factories in Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh, Orissa, Karnataka, Tamil Nadu from the technology mission of on cotton government of India. Sir ne 300 se jyada DIC ke cases solve kiye. Sir obtained subsidies for 18 cold storage from NHB, obtained subsidy for more than 200 ginning and pressing unit from NABARD also. Sir ne lagbhag 25 project jiska venture capital assistance available karke diya. अपार्ट फ्रॉम दिस सर ने वेरियस फोरम पे लेक्चर डिलीवर किए हैं जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, फर्स्ट डिलीवर्ड लेक्चर एट इंडोनेशिया बाली इन IRRC ऑर्गेनाइज्ड बाय वसई ब्रांच ऑफ WIRC, डिलीवर्ड लेक्चर एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एट हांगकांग, डिलीवर्ड लेक्चर एट पेरिस इन यूरोप। इस तरह से सर का इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक में लगभग सर ने 27 अलग अलग चैप्टर पे उनका लेक्चर कंटिन्यूसली दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस सर इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ भी जुड़े हैं जैसे धुले ऑयल सीड क्रशर एसोसिएशन, SSVPS मैनेजमेंट कॉलेज, मध्य भारत कॉटन एसोसिएशन, कर्नाटका कॉटन एसोसिएशन, SME चेंबर ऑफ इंडिया एट पुणे, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया एट अकोला, for ICICI bank and as well as state bank of india. to jis tarah se sir ka profile hai to short mein mujhe aisa lagta hai sir ko subsidy guru kehna hi uchit hai. aur kuch instruction hai apne hamare shrotao ke liye, chat box mein abhi main instruction likhunga, please usko follow kare. jis kisi ko kuch bhi question answer hai wo raise hand ka button daba sakte hai aur ya fir chat box mein likh sakte hai. क्वेश्चन आंसर मैक्सिमम सेशन के एंड में लेंगे और कोशिश ये करना है कि किसी एक श्रोता ने कोई क्वेश्चन पूछा है उसको रिपीट ना करें।
ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो। तो सारे श्रोताओं को विनंती है क्या वो अपना वीडियो बंद कर दे ताकि क्वालिटी वीडियो आपको दिखे। और मैं जीबी मोदी जी को कहता हूँ कि प्लीज सेशन स्टार्ट करें। जय महेश, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? जय महेश, औरंगाबाद जिला महेश्वरी युवा संगठन, औरंगाबाद महेश्वरी एंड मीक औरंगाबाद के द्वारा आयोजित आज का यह वेबिनार, रमन जी लोहिया जी की इच्छा थी कि भाई हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उद्योजकों के लिए आप कुछ औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बात कहे, तो उन्होंने यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा के दिया। मैं औरंगाबाद जिला महेश्वरी युवा संगठन का तहे दिन से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में मौके का सही उपयोग अपने समाज के युवा वर्ग को औद्योगिक की तरह, उद्योग की तरह, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह आत्मनिर्भर बनने के लिए ये जो वेबिनार का आयोजन किया हुआ है। मुझे पूरी आशा है कि महेश्वरी समाज के हर वर्ग को इसका पूरा पूरा फायदा होगा। मुझे जो विषय दिया गया हुआ है, सेंट्रल महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि हमारे औरंगाबाद डिवीजन के लिए, या एक आम तौर के ऊपर किसी को अगर उद्योग लगाना है तो वो किस तरह से अपने उद्योग की लगाने के साथ साथ भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा दिए गए अलग अलग जो बेनिफिट्स मिलते हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, उसका उनकी उनको जानकारी हो, मालूमात हो, उनका वो इस स्कीम के द्वारा बेनिफिट ले सकते। अभी मैं आपके सामने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो प्रेजेंट पॉलिसी है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इंग्लिश में भी कहूँगा बिकॉज आई एम नॉट दैट मच कन्वर्सेंट इन हिंदी एंड मराठी। अगर हम महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में आज 15 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 15 तरह के औद्योगिक धोरण आज महाराष्ट्र में लागू है। अपने को यकीन नहीं होगा कि इतने प्रकार के धोरण, आप कोई भी इंडस्ट्री का बात बताओ, महाराष्ट्र के लिए इंडस्ट्रियल धोरण अवेलेबल है। जैसे महाराष्ट्र पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2019, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक ई व्हीकल पॉलिसी 2018, महाराष्ट्र लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसी का एक अलग नाम है, महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेस सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है एक्चुअली। हेलो, हाँ सर, मी सेशन मध्ये। एक 5 मिनट वेट कीजिए सब लोग, टेक्निकल इश्यू कुछ प्रॉब्लम है, चेक कर रहा हूँ। एक 5 मिनट लगेंगे दोबारा सेशन स्टार्ट करने के लिए, कुछ टेक्निकल इश्यू है मोदी जी के यहाँ पे। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ सर, अभी आवाज आ रहा है। हाँ, थोड़ा लाइट गया था मेरे यहाँ, उसके वजह से तो नेट डिस्कनेक्ट हो गया। तो आप जब 15 पॉलिसी की बात कर रहे थे उसके बाद हमारे यहाँ पे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, नहीं मैं आता हूँ उसी से वापस आता हूँ।
वजह से नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। स्क्रीन दिख रहा अभी? यस सर दिख रहा। सो अगेन आई एम स्टार्टिंग। तो अपन बात कर रहे थे महाराष्ट्र में आज कितनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी चल रही है। तो महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, मुझे बहुत दुख होता है जब महेश्वरी अग्रवाल गुजराती जैन समाज का लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है और उसके बाद में वो पैकेजेस के पीछे भागता है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र के अंदर इंफॉर्मेशन और आईटीएस रिलेटेड सर्विसेज के बारे में पॉलिसी बनाई गई है, जो कि अगर एक कोई आईटी ग्रेजुएट बन के आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के आता है, अगर वो ये पॉलिसी पढ़ लेगा तो वो खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चालू करेगा। क्या इस पॉलिसी के अंतर्गत 25 लाख से 50 लाख रुपए तक की कैश सब्सिडी मिलती है? तो जो भी युवा भाई हमारे समाज का है जिसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स कम्प्लीट किया हुआ, बीटेक एमटेक किया हुआ है, उसने जरूर इस पॉलिसी का अध्ययन करना चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए। आज हम पढ़ लिख कर अपने बच्चों को अपने से दूर भेज रहे हैं, पुणे, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता। अपनी लड़कियां जो कभी अपने से दूर नहीं रहती थी, बहुएं जो अपने से कभी दूर नहीं रहती थी, वो आज बड़े बड़े सिटी में जाकर जॉब कर रही है। तो आईटीएस पॉलिसी का अगर हम सही ढंग से अध्ययन करें तो हम अपने ही घर में बैठ के, फिर वो औरंगाबाद हो, परभणी हो, जालना हो, मंठा हो, तुम्हारा नांदेड़ हो, बीड़ हो, आप ये आईटीएस पॉलिसी का अध्ययन करके, और अगर आपको ध्यान होगा बीच में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम निकाली थी, इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम, तो ये आईटीएस पॉलिसी उससे रिलेटेड है। महाराष्ट्र जेम्स एंड ज्वेलरी पॉलिसी, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, ये बहुत अच्छी पॉलिसी, बिकॉज जैसे ही डिजिटल इंडिया बना तो डिजिटल पेमेंट की बात आई तो महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, कोई भी तरह का फूड प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट अगर महाराष्ट्र में डालते, फिर वो ऑयल मिल का यूनिट क्यों ना हो, वॉश ऑयल हम बनाते हो गए, कोई भी तरह का फूड प्रोसेसिंग का प्रोडक्ट हम बनाते हो, तो मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया उद्योग, उसका मराठी में नाम है, इस प्रक्रिया, इस उद्योग के, इस स्कीम के अंतर्गत 50 लाख रुपए तक की कैश सब्सिडी मिलती है। महाराष्ट्र स्टेट वुमन एंटरप्रेन्योर पॉलिसी, पावर ऑफ 49, हम हमारी महिलाओं को कभी भी एक उद्योजक करके उनको महिलाओं का उद्योग बनाने के बारे में कभी सोचा नहीं। और आपको पता होगा कि महाराष्ट्र स्टेट ने पर्टिकुलरली फॉर वुमन एंटरप्रेन्योरशिप महाराष्ट्र स्टेट वुमन एंटरप्रेन्योर पॉलिसी बनाई है, जिसके अंतर्गत वुमन एंटरप्रेन्योर को एडिशनल बेनिफिट के रूप में सब्सिडी दी जाती है। महाराष्ट्र टेक्सटाइल पॉलिसी, फार्म टू फैशन, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपने देश के कहते हैं कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम, वो मुद्दा ध्यान में रखते हुए, और आपको पता है विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश, ये कॉटन का बहुत बड़ा ग्रोइंग एरिया है, और इस एरिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कॉटन जिनिंग प्रेसिंग की फैक्ट्री बनी हुई है। और दुख की बात यह है कि गठान महाराष्ट्र में बनती है, फिर वो नॉर्थ और साउथ में जाके वहाँ यान बनता है, फिर मालेगांव में आता है, इचलकरंजी में आता है, फिर वहाँ ग्रे क्लॉथ बनता है। तो महाराष्ट्र टेक्सटाइल पॉलिसी के अंतर्गत अगर हम महाराष्ट्र में टेक्सटाइल के प्रोजेक्ट डाले तो महाराष्ट्र टेक्सटाइल पॉलिसी के अंतर्गत उद्योजक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे युवा भाई, अगर आप एक बहुत बड़ा ससमेरा के अंदर कोर्स चलता है, ससमेरा बोलते हैं, VGTI बोलते हैं, हम जो ट्रेडिशनल कोर्सेस में जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, और ये हम क्यों ना एक टेक्सटाइल के ऊपर अच्छा डिग्री कोर्स करें और टेक्सटाइल पॉलिसी का बेनिफिट लेके एक बढ़िया टेक्सटाइल का प्रोजेक्ट डाले। इचलकरंजी बहुत बड़ा टेक्सटाइल का हब है, बहुत पास में है औरंगाबाद से, पुणे के पास में, इचलकरंजी के अंदर बहुत सारे टेक्सटाइल प्रोजेक्ट लग रहे हैं, शेरपुर में लग रहे हैं, नवापुर में लग रहे हैं, आपके यहाँ मालेगांव में टेक्सटाइल है, वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन के टेक्सटाइल्स है। महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी, महाराष्ट्र फिनटेक पॉलिसी,
फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जितनी भी एनबीएफसी कंपनीज आ रही है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आ रही है, बैंकिंग कंपनीज आ रही है, स्मॉल फाइनेंस बैंक आ रही है, तो वो फिनटेक टेक्नोलॉजी का, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यूज करे. व्हाट इज 59 मिनट लोन, 59 मिनट में लोन मंजूर हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है. तो कौन सी टेक्नोलॉजी काम आ रही है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी काम आ रही है. इसी तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, फेसलेस, पेपरलेस, अपलोडेशन ऑफ लोन एप्लीकेशन एंड सैंक्शन ऑफ द लोन. महाराष्ट्र एरोस्पेस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, महाराष्ट्र टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, महाराष्ट्र क्लाउड कंप्यूटिंग पॉलिसी, महाराष्ट्र आईटीएस पॉलिसी, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी और महाराष्ट्र क्लाउड कंप्यूटिंग पॉलिसी. जो मेरे समाज के बंधु, महेश्वरी समाज के बंधु इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहे, अगर वो ये पॉलिसी का अध्ययन कर ले तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में खुद का बहुत बड़ा उद्योग निर्माण कर सकते हैं. आज का जो विशेष टॉपिक है, मैंने ये महाराष्ट्र की ओवरऑल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बताया. मेरे हिसाब से अखिल भारत में ऐसा शायद ही एक कोई स्टेट होगा जो हर सेक्टर को कवर करता है. फिर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हो, फिनटेक पॉलिसी हो, फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल हो, आप कोई भी सेक्टर में बताओ वहाँ पॉलिसी अवेलेबल है. परंतु इसके अलावा जो एक सब पॉलिसी की मदर पॉलिसी जिसको कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई कोई भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट आप महाराष्ट्र के अंदर लगाओ, आपको महाराष्ट्र पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2019 के अंतर्गत आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो. मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप टेक्सटाइल में हो तो भी आप महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल पॉलिसी का बेनिफिट ले सकते हो, आप फूड प्रोसेसिंग में हो तो भी आप महाराष्ट्र पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2019 का बेनिफिट ले सकते हो. तो ये आज हम थोड़े से एक घंटा पौन घंटा महाराष्ट्र पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव के बारे में डिस्कस करेंगे. महाराष्ट्र पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टिल 31 मार्च 2024. तो इस पीरियड, यह जो पॉलिसी अभी महाराष्ट्र में एप्लीकेबल है, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2024 तक यह पॉलिसी का कार्यकाल महाराष्ट्र शासन ने निर्धारित किया हुआ है. इस पीरियड के अंदर जो भी प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लगेगा वह इस प्रोजेक्ट के इसके लिए एलिजिबल होगा. तो यह इस पॉलिसी का पार्ट है. नाउ द एंटायर स्टेट, हम अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र को ABCDD+ नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट, नेक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया एंड एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से महाराष्ट्र का पूरा विभाजन किया हुआ. जैसे पूरे महाराष्ट्र का उसके आर्थिक औद्योगिक प्रगति के अनुसार महाराष्ट्र का वर्गीकरण किया गया है. जितना प्रगत भाग है महाराष्ट्र का, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र का है, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप ए डिनोट्स इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया. आपके सामने जो स्क्रीन खड़ी हुई है उसमें ग्रुप ए लिखा है, उसको क्या डेफिनाइन किया हुआ है, ये क्लासिफिकेशन आपके लिए बहुत अत्यावश्यक है. मैं अगर औरंगाबाद डिवीजन की बात करूं, औरंगाबाद डिवीजन के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? औरंगाबाद तो है ही, औरंगाबाद आता है जालना, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, हिंगोली, लातूर एंड नांदेड़. तकरीबन 70 तालुके औरंगाबाद डिवीजन के अंदर, महसूल के अंदर 70 तालुके और एक तालुका डी, जिसको हम जो डी में आता है वो औरंगाबाद तालुका, और औरंगाबाद को अगर हम छोड़ देवे तो सारे जिलों के अंदर 70 तालुके आते हैं कि जो D+ कहलाते हैं. तो ग्रुप ए डिनोट्स इंडस्ट्रियली डेवलप्ड, ग्रुप बी डिनोट्स वेयर सम डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस. भाई ए से कमजोर जो पार्ट है उसको बी बोलते हैं, ए और बी से जो कमजोर है उसे सी बोलते हैं, कि जिसमें कम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है. डी डिनोट्स लेसर डेवलप्ड एरियाज ऑफ द स्टेट नॉट कवर्ड अंडर ए बी सी. आपके लिए डी मतलब बोला तो औरंगाबाद. औरंगाबाद तालुका जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अंडर PSI 2019 स्कीम के अंतर्गत औरंगाबाद तालुका को डी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र करके घोषित किया हुआ है. डी प्लस औरंगाबाद महसूल के अंदर औरंगाबाद तालुका छोड़ के जितने भी जिले हैं, जितने भी तालुके हैं, वो सारे की सारे डी प्लस करके रिकॉग्नाइज किए हुए हैं अंडर PSI 2019 स्कीम. नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद डिवीजन में का एकमेव जिला हिंगोली जिला, उसको नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट करके महाराष्ट्र शासन ने PSI 2019 के अंदर डिस्क्लोज किया हुआ है. नेक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया,
denotes which are the naxalism affected area, Gadchiroli, Yavatmal ka kuch part, tumhara thoda sa part hai, ab Bhandara ka kuch part hai. तो मैं अगर आपको नक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया की बात चाहिए तो गढ़चिरौली के सारे तालुके, गोंदिया पूरा जिला, चंद्रपुर गांडपिपरी, राजपुरा, कोरपरना, जीवाटी, बलासरा, ये सारे पार्ट जो है, भंडारा, साकोली, यवतमाल जिले में पांडरकौड़ा, वनी, जरी, जामली, घाटंजी, अरनी और नांदेड़ में किनवट. नांदेड़ यह औरंगाबाद महसूल का एक जिला है और उसके अंदर भी एक नक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया करके किनवट आता है और किनवट ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर का एरिया है. तो एज पर एज नक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया इज कंसर्न और औरंगाबाद डिवीजन की अगर बात करूं तो किनवट ये ऐसा तालुका है जो नक्सलिज्म अफेक्टेड पार्ट के अंदर PSI 2019 में रिकॉग्नाइज किया हुआ है. उसके बाद में देख लिए आप एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट. एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी आकांक्षित जिले. भारत सरकार के नीति आयोग ने 115 जिले अखिल भारतीय स्तर के ऊपर आकांक्षित जिले करके घोषित किए हुए हैं. उसी के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 4 जिले आते हैं. उसमें है उस्मानाबाद, गढ़चिरौली, वाशिम और नंदुरबार. वाशिम जाता है विदर्भ के अंदर, गढ़चिरौली जाता है विदर्भ के अंदर, नंदुरबार आता है खानदेश में और अगर मैं मराठवाड़ा की बात करूँ तो उस्मानाबाद ये जिला है जो कि एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षित जिला करके महाराष्ट्र शासन ने और नीति आयोग ने घोषित किया हुआ है. एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र, जैसे कि मैंने आपको कहा महाराष्ट्र के अंदर नीति आयोग ने नंदुरबार, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बाय नीति मिनिस्ट्री वाशिम और उस्मानाबाद और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के हिसाब से गढ़चिरौली, ये 4 जिले उन्होंने डिस्कस किए हुए. अभी अभी मैं ज्यादा डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि अपने पास समय कम है. हमें मेन ये देखना है कि ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया हुआ है इसका बेनिफिट मैं अगर इस पार्ट में उद्योग लगाता हूँ तो मुझे कौन सा तरह का बेनिफिट मिलता है. ये जो चार्ट मैंने आपके सामने रखा है ये आपके लिए उद्योजकों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है. अगर हम औरंगाबाद डिविजन में रहते हैं तो महाराष्ट्र शासन के प्रैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव के अंतर्गत हम अगर औरंगाबाद डिवीजन के कौन से भाग में कौन सा उद्योग लगाते हैं तो हमें महाराष्ट्र शासन द्वारा कितने प्रमाण में सब्सिडी दी जाएगी उसका ये चार्ट आपके सामने रखा हुआ है. अगर मैं महाराष्ट्र की, जैसे मैंने आपको कहा क्या तालुका एरिया, पहला कॉलम है ए बी सी डी डी प्लस. मैंने कहा ए इंडस्ट्रियली डेवलप्ड, बी उससे कम डेवलप, सी एज पर एज औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इज औरंगाबाद महसूल इज कंसर्न औरंगाबाद डी में आता है और अदर देन औरंगाबाद सारे तालुका 70 तालुका सारे जिले के मिलके डी प्लस में आते हैं. उसके अंदर विदर्भ, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग एंड धुले, इसके लिए उन्होंने यानी मराठवाड़ा पूरा की पूरा मराठवाड़ा उन्होंने कवर कर लिया है. एक और एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद उसमें आ गया और नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट हिंगोली आ गया, नक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया करके किनवट आ गया. तो पूरा की पूरा मराठवाड़ा, ये एक हो गया आपका क्लासिफिकेशन. अभी हम जाते हैं बीच वाले कॉलम पे, सीलिंग एज परसेंटेज ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट. हमने हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कॉटन जीनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री लगाई, हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाया, हमने ऑयल मिल खड़ी करी, हमने रिफाइनरी खड़ी करी, तो उसके ऊपर हमने जितनी लागत लगाई, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वॉट एवर टाइप ऑफ फिक्स एसेट्स वी हैव क्रिएटेड for establishing the unit means factory gate to factory, factory gate, compound wall, labor quarter, office block, godown, water tank, cement concrete road, ये जितने भी तरह की infrastructure हम manufacturing के लिए खड़ी करेंगे वो कहलाई जाती है ceiling as percentage fixed capital investment. और last वाला column है number of years, कितने साल तक हमें ये subsidy महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी जाएगी. अगर मैं डी की बात करूं, औरंगाबाद तालुका की बात करूं, अगर मैं औरंगाबाद तालुका के किसी भी एरिया में फैक्ट्री लगाता हूं मैन्युफैक्चरिंग की तो मुझे महाराष्ट्र शासन द्वारा 50 करोड़ के लागत तक MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैविंग फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़ विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट अप टू 50% ऑफ माई कैपिटल इन्वेस्टमेंट. मतलब क्या हुआ, अगर मैंने
कोई भी तरह का प्रोजेक्ट लगाया तो महाराष्ट्र शासन द्वारा औरंगाबाद तालुका के अंदर मेरा प्रोजेक्ट है तो मुझे लागत के 50% सब्सिडी मिलने वाली। चलो अभी मैं डी प्लस में आता हूँ। डी प्लस बोला तो अदर देन औरंगाबाद तालुका ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिस आपका औरंगाबाद डिवीजन वहां 60% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। परंतु आगे का जो एक विंडोज है वो बताता है विदर्भ मराठवाड़ा रत्नागिरी सिंधुदुर्ग और धुले इनको मराठवाड़ा बोला तो फिर मराठवाड़ा में औरंगाबाद भी आ गया परभणी भी आ गया हिंगोली भी आ गया बीड भी आ गया लातूर भी आ गया। तो वहां शासन ने क्या बोला लागत के 80% सब्सिडी देंगे। कितनी लागत के 80%। और उस्मानाबाद जिला क्योंकि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है आकांक्षित जिला है उसके साथ साथ किनवट तालुका के अंदर अगर मैं प्रोजेक्ट लगाता हूँ तो मुझे लागत के 100%। अरे भाई 100% कोई सोच सकता है कि जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट करी मैंने बिल्डिंग लैंड मशीनरी अगर 50 करोड़ की लागत लगा के मैंने प्रोजेक्ट लगाया इफ माय कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज से 50 करोड़ आई एम एलिजिबल टू गेट 100% ऑफ माय इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी इफ द प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन उस्मानाबाद। अगर मेरा प्रोजेक्ट किनवट में है तो मुझे लागत के 100% सब्सिडी मिल रही। और अदर देन ये दो एरिया की मैं बात छोड़ दूं उस्मानाबाद जिले के बाहर और किनवट तालुका के बाहर अगर मैं प्रोजेक्ट लगाता हूँ तो डिमार्केशन थोड़ा सा ड्राफ्टिंग के अंदर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से मिस्टेक हुई है। डी प्लस में 60% और नीचे लिखता है मराठवाड़ा तो मराठवाड़ा के लिए 80%। तो भाई मुझे 60% मिलेगा कि 80% मिलेगा। स्कीम के अंदर तो लिखा हुआ है मराठवाड़ा तो मराठवाड़ा के अंदर औरंगाबाद भी आता है जालना भी आता है परभणी भी आता है हिंगोली भी आता है नांदेड़ भी आता है तो लातूर भी आता है। तो मेरे हिसाब से तो 80% सब्सिडी मिलेगी। सो इफ एनी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द इंडस्ट्री वेदर इट इज अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री फर्टिलाइजर इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री whatever type of manufacturing activity is undertaken by MSME they are eligible to get subsidy according to this chart. अभी number of years 60% 10 साल तक मिलेगा। Does it mean कि मुझे हर साल 60% मिलेगा? इसका मतलब तो मेरे को कितना हो गया 600% सब्सिडी हो गई। ऐसा नहीं है। इसके बाद में का चार्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। यह चार्ट आपको पूरी क्लैरिटी देगा क्या मुझे सब्सिडी कितना इन्वेस्टमेंट हाउ मच इन्वेस्टमेंट इफ आई मेक व्हाट विल बी द सब्सिडी पोर्शंस एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडर पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अभी रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल एमएसएमई मिनिस्टर हैज रीडिफाइंड चेंज द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई अंडर 2006 एक्ट। MSME की डेफिनेशन उन्होंने बदल दी। एज फार एज महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज कंसर्न द MSME इज और वैसे भी 50 करोड़ तो कभी नवी डेफिनेशन के हिसाब से हो ही गया है। इफ यूर फिक्स इन्वेस्टमेंट इन आइदर इन सर्विस इंडस्ट्री और इन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस इज अप टू 50 करोड़ एंड द टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹250 करोड़ यू विल बी क्लासिफाइड एज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस अंडर MSME। Sir, whatever question will be there, I will solve all the questions of the participant at the end of my session because it is not possible to stop myself and give the answer. Otherwise, I may not be able to complete my session. So all the questions will be solved at the end of the session. So take in front of you, pehla diya hua hai taluka A, B, C, D, D+, Marathwada, Vidarbha and so. और ये सेकंड जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है अगर आपकी इंडस्ट्री ए में लगा है तो कितनी सब्सिडी बी में है तो 30% सी में है तो 40% डी में है तो 50% डी प्लस में है तो 60% मराठवाड़ा विदर्भ रत्नागिरी सिंधुदुर्ग और धुले तालुका के अंदर बढ़े। ऊपर क्या लिखा है तालुका एरिया इस तालुका में है तो 80% और अगर उस्मानाबाद के अंदर है तो 100% और नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट नक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया है तो हिंगोली के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट लगा तो 100%। अभी आप ऐसा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 10 करोड़ आपकी लागत से आपका जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री है बिकॉज मराठवाड़ा इज द बिगेस्ट कॉटन ग्रोइंग पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड सपोज यू आर एस्टेब्लिश अ कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री एंड यूर कैपिटल इन्वेस्टमेंट
इररिस्पेक्ट वर्किंग कैपिटल इसमें कवर नहीं होगा, इट इज ओनली द फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आपके बैलेंस शीट के अंदर एसेट करके ट्रीट होता है। आप सपोज आपकी कैपिटल आपका 48 डीआर एंड 10 एक्सपेलर का प्रोजेक्ट है, 48 डीआर विद फुल्ली ऑटोमेटिक जीनिंग प्रेसिंग अलोंग विद द ऑयल मिल फैसिलिटी, 10 करोड़ रुपीज आपने इन्वेस्ट किया है एंड सपोज यूर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन मराठवाड़ा, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट, तो एलिजिबल अमाउंट ऑफ सब्सिडी अंडर महाराष्ट्र पैकेज ऑफ स्कीम ऑफ इंसेंटिव विल बी 8 करोड़ रुपीज। 8-10 करोड़ के प्रोजेक्ट पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको 8 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर करेगा। इफ योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट इज 10 करोड़ एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पॉलिसी 80% विल बी द एलिजिबल सब्सिडी, सो 8 करोड़ विल बी एलिजिबल अमाउंट सब्सिडी कॉलम नंबर 4। नाउ कॉलम नंबर 5, नंबर ऑफ इयर्स, कितने साल में आपको वो सब्सिडी मिलेगी। गवर्नमेंट ने क्या करा, यू रन द प्रोजेक्ट यू अर्न द बेनिफिट, व्हाट इट मींस द सब्सिडी विल बी गिवन इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ओवर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स। आपको 10 साल के अंदर यह सब्सिडी का भुगतान महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। इट मींस द सब्सिडी विल बी सब्सिडी इज हैविंग एन अपर कैप, 10 साल के अंदर ये 8 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आपको देगा। वो कितना पर ईयर सब्सिडी कितनी हो गई फिर, अगर आपका प्रोजेक्ट मराठवाड़ा में है 80% के अंदर है, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 8 करोड़ मिल रहा, 10 साल में मिल रहा 80 लाख रुपया पर एनम आपको सब्सिडी के रूप में मिलेगा इफ योर प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 10 करोड़ ऑफ रुपीज। नाउ कम टू उस्मानाबाद, अगर आपका प्रोजेक्ट उस्मानाबाद के अंदर रखा हुआ है या फिर आपने प्रोजेक्ट किनवट में बनाया है, इफ योर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन किनवट और इन उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, देन व्हाट विल बी द सिचुएशन, द सेम योर प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 10 करोड़, द एलिजिबल परसेंटेज ऑफ सब्सिडी इज 10 करोड़, 10 करोड़ पे 10 करोड़। कैन यू इमेजिन, इज देयर एनी स्टेट गवर्नमेंट विच इज ऑफरिंग 100% सब्सिडी। तेलंगाना ने बात करी थी कि हम आपको 100% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट मार्केट कमिटी के रूप में रिफंड करेंगे, बट महाराष्ट्र के अंदर उस्मानाबाद जिला किनवट तालुका के अंदर 100% सब्सिडी मिल रही, 10 साल में 1 करोड़ रुपया प्रति एनम आपको रिफंड मिल रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा फॉर एस्टेब्लिशिंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट इन दी उस्मानाबाद एंड किनवट तालुका ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो दिस मच इज द सब्सिडी ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र प्रोवाइडेड योर यूनिट इज सिचुएटेड इन MSME सेक्टर हैविंग इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़ ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। सो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बात कर लो, अगर मैं बात करूं तो स्पिनिंग मिल की बात करूं तो अराउंड 25,000 स्पिंडल का कोई स्पिनिंग मिल लगाता है, कोई ऑटोमेटिक लूम्स लगाता है, पावर लूम सेक्टर में जाते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक राइपियर लूम्स में जाते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाते हैं, तो नॉर्मली 1000 मेट्रिक टन कैपेसिटी का सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट 150 करोड़ में बैठ जाता है विदाउट वर्किंग कैपिटल लिमिट। Here only fixed capital investment will be considered, and if the unit is situated in Usmanabad or Kinwat, the eligible subsidy will be 100% of the project cost. अब आपको मैंने ये बता दिया कि how much subsidy will be eligible if the project is situated in particular part of the this area. अब ये subsidy मुझे किस रूप से देने वाला है महाराष्ट्र? चलो मैंने 10 करोड़ का project लगा दिया say Hingoli के अंदर या Kinwat के अंदर या Usmanabad के अंदर, एंड माई एलिजिबल सब्सिडी इज 10 करोड़ रुपीज, तो यह सब्सिडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट किस रूप से देने वाला है? यह जो स्लाइड आपके सामने रखी हुई है, सामने जो दिख रही है, आप इसको थोड़ा सा लाइन बाय जो एरो दिख रहा है, न्यू MSME यूनिट्स विल बी एलिजिबल फॉर बास्केट ऑफ इंसेंटिव। आपको एक बास्केट आपके सामने परोसी हुई है एंड उस बास्केट में से जो आपको फिजिबल है वो प्रोडक्ट आप उठा लीजिए, दैट विल बी अ सब्सिडी ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। आपको तीन प्रकार का प्रोडक्ट, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो औरंगाबाद के समझ लो मैं भोज रेस्टोरेंट के अंदर गया हूं और 400 रुपए की थाली खरीदी है, वो 400 रुपए की थाली में भोज रेस्टोरेंट वाला मेरे को तीन आइटम परोस रहा है कि भाई मैंने आपको इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी दी प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2 मैंने आपको इंटरेस्ट सब्सिडी दी और प्रोडक्ट नंबर 3 पावर सब्सिडी दी, तो आपको ये तीनों में से जो लेना है वो लो और खा लो, यानी 400 रुपए इज इक्वल टू 100% ऑफ माय सब्सिडी अमाउंट और उसके अंदर तीन चीजों परोसी हुई है, इट इज अ बास्केट ऑफ इंसेंटिव एंड व्हाटएवर इज फिजिबल एलिजिबल टू यू यू टेक द बेनिफिट।
तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र तीन तरह के प्रोडक्ट के रूप में हमें सब्सिडी का रिफंड देता है, सब्सिडी देता है। सब्सिडी देता है इसका मतलब क्या, नन ऑफ द सब्सिडी इज डिसबर्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट लगाते हुए लगाते वक्त हमको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक भी रुपए की सब्सिडी एडवांस में अदा की नहीं जाती है। द सब्सिडी विल बी डिसबर्स वन ओनली एंड ओनली व्हेन यू गो इनटू कमर्शियल प्रोडक्शन। बिफोर दैट नथिंग विल बी डिसबर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी एक्सेप्ट टू बेनिफिट्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू आफ्टरवर्ड। सो व्हाट आर द थ्री बेनिफिट्स विच द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, हमने ये बात समझ ली कि हमको इतने इतने प्रमाण के ऊपर ऐसी ऐसी सब्सिडी मिलती है। अब वो सब्सिडी कौन से रूप से मिलती है, पहला प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी, जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं IPS, इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी। व्हाट इज दिस इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी, इट इज नथिंग बट GST रिफंड। हम मैन्युफैक्चरिंग करके हमारा प्रोडक्ट बेच के जितना GST जमा करते हैं, हमें GST जमा करना है और गवर्नमेंट को रेगुलरली पेड करना है, उसमें का जितना SGST पार्ट है, स्टेट GST का पार्ट है, नॉट ओनली CGST, ओनली SGST। अगर मेरा प्रोडक्ट 5% का है एज फार एज कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग इज कंसर्न, कॉटन बेल्स इज टैक्सेबल एट 5% एंड कॉटन सीड इज ऑल्सो टैक्सेबल एट 5%। अगर मैं महाराष्ट्र के अंदर इसका सेल करता हूँ, क्योंकि जब मैं महाराष्ट्र का बिलिंग करूंगा तो मैं SGST 2.5% से लगाऊंगा और 2.5% से CGST लगाऊंगा। अगर मैं आउट ऑफ महाराष्ट्र सेल करता हूँ तो मैं IGST लगाऊंगा और 5% IGST जाएगा जिस स्टेट में माल कंज्यूम होगा उस स्टेट के अंदर। सो SGST के रूप में मुझे रिफंड मिलता है, दैट इज अ फर्स्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स अंडर महाराष्ट्र पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव। सेकंड प्रोडक्ट है इंटरेस्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट रिफंड। मैंने यह 10 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाने के लिए बैंक से जो टर्म लोन लिया हुआ है, वो टर्म लोन के ऊपर मैं जितना इंटरेस्ट पेड करता हूँ उसमें का 5% इंटरेस्ट मुझे महाराष्ट्र सरकार पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव के अंदर रिफंड करता है। इसका मतलब क्या, मैं मेरा अगर फाइनेंस सपोज 9% से हुआ है, नेशनलाइज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैंने 9% में टर्म लोन लिया है और मेरा रेट 9 साल भर के अंदर ब्याज 9 लाख बना, सो रेट इंटरेस्ट स्प्रेड ड्यूरिंग 1920 से 9 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 5 लाख रुपया। तो 5% का मतलब होता है 9% में से 5% मुझे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रिफंड करेगा। सो इस तरह से टर्म लोन का ऊपर का इंटरेस्ट रिफंड होता है, न कि वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी के लिमिट के ऊपर का इंटरेस्ट रिफंड होता है। यहाँ केवल टर्म लोन टेकन फॉर एस्टेब्लिशिंग न्यू यूनिट ऑन विच द इंटरेस्ट इज पेड बाय द एंटरप्रेन्योर एंड 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी रिफंडेड। सो इट मीन्स दैट यू हैव टू रेगुलरली पे द इंटरेस्ट टू द नेशनलाइज्ड बैंक एंड टेक द रिफंड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। मैं वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको किसके पास आवेदन करना है। एंड द थर्ड प्रोडक्ट पावर टैरिफ सब्सिडी। लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के रेट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू गुजरात, एज कम्पेयर टू मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या कहा, अगर डी और डी प्लस पार्ट के अंदर महाराष्ट्र में अगर कोई भी मराठवाड़ा के अंदर कोई भी उद्योजक उद्योग लगाता है तो उसको 1 रुपया पर यूनिट, इट इज नॉट अ टैरिफ, इट इज अ पर यूनिट। अगर मैंने कॉटन जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री लगाई और साल भर के अंदर 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक मैंने 10 लाख यूनिट वापरे, तो मुझे 10 लाख यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी 10 लाख रुपए का इलेक्ट्रिसिटी पावर टैरिफ की सब्सिडी के रूप में मिलेगा। अब ये तीन जो प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने अपने को दिए है, ये एक्सक्लूसिव है क्या, क्या नहीं, आज तीनों में से कोई भी एक चीज खाओ, ऐसा नहीं है। इट इज अ बास्केट ऑफ इंसेंटिव, इट इज प्लस इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी प्लस इंटरेस्ट सब्सिडी प्लस पावर टैरिफ सब्सिडी, तीनों की टोटल करके आपको, मैंने जो यह चार्ट बताया था आपको कि आपको 8 करोड़ या 10 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा, 80 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने कॉटन जिनिंग प्रेसिंग की फैक्ट्री चलाई
को साल भर के अंदर आपने जीएसटी के रूप में 50 लाख रुपया 50 लाख रुपया भरा, उसमें से 2.5% के हिसाब से हो गया 25 लाख रुपया, तो आपको आईजीएसटी रिफंड मिलने वाला है और आपकी एलिजिबिलिटी है 80 लाख रुपए की, तो 25 लाख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब दूसरा प्रोडक्ट मैंने आपको कहा क्या, इंटरेस्ट सब्सिडी। सपोज आपने साल भर के अंदर 5% के हिसाब से 40 लाख रुपए का इंटरेस्ट पेड करा, 40 लाख रुपया 5% के हिसाब से, तो 40 लाख रुपया प्लस 25 लाख रुपया एस जीएसटी का 40, 50, 60, 65 लाख रुपया, अब बचा आपका 15 लाख रुपया। और सपोज आपका इलेक्ट्रिसिटी 20 लाख यूनिट कंज्यूम हुआ, तो आपको 1 रुपए के हिसाब से 20 लाख, तो आपकी टोटल हो गई 85 लाख रुपए और आपकी ईयरली क्या पे 80 लाख रुपीज, तो आपको महाराष्ट्र शासन के द्वारा 80 लाख रुपया रिफंड मिलेगा। जो सरप्लस है आपका 5 लाख रुपया वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। अभी निगेटिव लो, आपका जीएसटी बना 25 लाख, इंटरेस्ट बना 25 लाख और इलेक्ट्रिसिटी यूनिट बना 10 लाख, तो टोटल हुई 60 लाख, तो आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट 80 लाख की जगह 60 ही लाख के देगा, क्योंकि आपका बास्केट का टोटल हुआ 60 लाख, बचा 20 लाख का गैप, वो जो निगेटिव गैप है वो भी अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। इस तरह से महाराष्ट्र पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव के अंतर्गत आप 3 तरह के बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हो, बास्केट ऑफ इंसेंटिव, इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी एंड पावर टैरिफ सब्सिडी। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार आपको क्या दे रहा है, 2 ऐसे बेनिफिट है जो बास्केट ऑफ इंसेंटिव के बाहर है। अगर हम होटल में जाते हैं तो जो हमको अचार मिलता है या समोज नींबू मिलता है या प्याज का जो एक जो सलाद का आता है जो अलग से देते हैं, जो अपने पैकेज में नहीं इंक्लूड होता है, वैसे दो जो दो प्रोडक्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दिए है वो नीचे जो मैंने सबसे नीचे जो स्लाइड में बताया हुआ है। द टोटल क्वांटम ऑफ इंसेंटिव्स एक्सक्लूडिंग द इंसेंटिव्स ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, वैसे तो मराठवाड़ा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जिस दिन आप इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेते हो उसी दिन से एग्जम्प्ट है, लगती नहीं इलेक्ट्रिसिटी। मराठवाड़ा इज हैविंग अ स्पेशल स्टेटस एज फार एज विदर्भ इज ऑल्सो हैविंग द स्पेशल स्टेटस दैट इन यूर इलेक्ट्रिसिटी बिल इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इज नॉट लेविड एट ऑल, बट महाराष्ट्र शासन ने अदर देन पूरे भारत पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करूं, वो पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव के अंदर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जो 6 से 9% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अपने बिल में लग के आती है वो एग्जम्प्ट की है, इट इज नॉट रिफंड। ऊपर के जो 3 बेनिफिट है वो आपको पेड करना है, रिफंड मांगना है, बट एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इज कंसर्न इट इज रिफंड, इट इज एग्जम्प्टेड, इट इज नॉट लेविड इन यूर बिल। वेवर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, हमें जो प्लॉट के ऊपर हम हमारी इंडस्ट्री लगा रहे वो जब हम इंडस्ट्री के पर्पस के लिए खरीदी करते हैं, वेदर इट इज एन एग्रीकल्चर लैंड सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू इंडस्ट्रियल एनी लैंड, सो एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड द स्टैम्प ड्यूटी विल बी एग्जम्प्टेड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ लैंड इटसेल्फ सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। सिमिलरली हम जब टर्म लोन का डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हैं मॉर्गेज डीड, उस वक्त भी हमको स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्प्ट होती है, तो 2 बार हमको स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्प्ट होती है, फर्स्ट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ परचेस डीड, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लीज डीड। हम लैंड 2 तरह से ले सकते हैं, परचेस करके और रजिस्टर्ड लीज द्वारा भी ले सकते हैं, अगर MIDC के अंदर हमारा प्लांट सिचुएटेड है तो इवन फॉर मेकिंग अ रजिस्टर्ड लीज डीड विथ MIDC विच इज हैविंग अ 95 ईयर्स लीज डीड, सो स्टैम्प ड्यूटी इज एग्जम्प्टेड, एंड सिमिलरली एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ टर्म लोन डॉक्यूमेंट द स्टैम्प ड्यूटी इज एग्जम्प्टेड। सो दिस वे द एंटरप्रेन्योर इज एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट अंडर महाराष्ट्र पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2019 एज फार एज MSME यूनिट्स आर कंसर्न which is a basket of incentive. I have put before you the percentage ceiling according to the location as far as Aurangabad division is concerned. The entire Aurangabad division except Aurangabad Taluka comes under D+. But again, Marathwada is 80%. Usmanabad is having 100%. Naxalism affected part of this Kinwat. Kinwat is having 100% benefit. So friends, टेक द बेनिफिट ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और मैं आपको बता देता हूँ, आप ये मत सोचिए उस्मानाबाद जिले का प्रगति उस्मानाबाद के लोकल लोग नहीं करेंगे,
वर्ल्ड का, भारत का ध्यान है नंदुरबार के ऊपर, भारत का ध्यान है वाशिम के ऊपर, भारत का ध्यान है गढ़चिरौली के ऊपर। अभी COVID-19 के अंदर जो पैकेज आया है, जो इंडस्ट्री शिफ्ट होके चाइना से यूएसए से शिफ्ट हो रही है भारत के अंदर, उनका ध्यान 115 जिले जो आकांक्षित जिले भारत सरकार ने घोषित किए हुए हैं, और उसके अंदर 3 स्टेट महत्व के है। जो आकांक्षित जिलों में अगर भारत के अंदर कोई भी इंटरनेशनल कंपनी इंडस्ट्री डालेगी तो उनके प्रेफरेंस है 3 स्टेट। पहला स्टेट है गुजरात, दूसरा स्टेट है महाराष्ट्र, और तीसरा स्टेट है उत्तर प्रदेश। और एज फार एज महाराष्ट्र कंसर्न है तो हर इंडस्ट्री वाला क्या सोचेगा, मुझे महाराष्ट्र के अंदर उद्योग लगाने के वजह से कौन सी ऐसी लोकेशन है ज्यादा से ज्यादा मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी प्राप्त होगी, तो वो जाएगा उस्मानाबाद में, गढ़चिरौली में, एक बार शायद न भी जावे वाशिम और नंदुरबार। नंदुरबार की अगर मैं बात करूं तो नंदुरबार इज अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। नंदुरबार के अंदर पानी की सुबत्ता है, नंदुरबार के अंदर रेलवे की सुविधा है, तो शायद नंदुरबार भी एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सकता है फ्यूचर। सूरत से बहुत बड़े पैमाने के ऊपर टेक्सटाइल के प्रोजेक्ट, नवापुर जो कि आखिरी तालुका है सूरत और महाराष्ट्र का, वहाँ बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उद्योजक आ रहे हैं, और सूरत के टेक्सटाइल प्रोजेक्ट अभी हटकर महाराष्ट्र के सूरत से पास में जो नंदुरबार जिले का छोटा सा तालुका है नवापुर, वहां लग रहे हैं। नंदुरबार के अंदर अभी महाराष्ट्र शासन ने 260 हेक्टर के अंदर MIDC का निर्माण किया हुआ है, वह MIDC के अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मेरे ख्याल से अपने को और भी कुछ देखना है तो मैं ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बारे में अभी ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में आपसे चर्चा करना है। एज पर एज महाराष्ट्र इज कंसर्न, इट इज नॉट ओनली दैट महाराष्ट्र इज ऑफरिंग सब्सिडी फॉर एस्टेब्लिशिंग प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इफ यू कंपेयर द गुजरात गवर्नमेंट, इफ यू कंपेयर द मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सम ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज ऑल्सो जॉइन टूडे वेबिनार, दे आर इंटरेस्टेड इन कमिंग इन टू MSME प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, जस्ट नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल पॉलिसी, द एंटायर एंटायर कंट्री विल बी यूर एरिया ऑफ प्रैक्टिस अंडर MSME प्रैक्टिस। अगर आपको केवल महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल पॉलिसी मालूम होगी और मध्य प्रदेश की नहीं मालूम होगी, छत्तीस, सो यू कैन नॉट डू द ड्यू डिलिजेंस विच इज द बेस्ट स्टेट वेयर इफ आई एस्टेब्लिश ए इंडस्ट्री इन गुजरात, व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफर्ड फॉर 10 करोड़ प्रोजेक्ट एंड व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। सो द इंडस्ट्रियलिस्ट मे कम टू यू एंड ही मे आस्क यू, गिव मी द ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट विच इज द बेस्ट स्टेट वेयर आई विल गेट मैक्सिमम सब्सिडी फॉर एस्टेब्लिशिंग द प्रोजेक्ट, where I can get the land, where I can get the red carpet treatment, easy of doing business, availability of land. So just don't study the only Maharashtra industrial policy, also try to study the entire other state policy also. You name the state in the country, आप भारत का कोई भी स्टेट बताओ, वो हिमाचल प्रदेश हो, उड़ीसा हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट के अंदर इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए हर स्टेट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। उसी के अंदर से अगर मैंने जो स्टडी किया हुआ है बाकी सारे स्टेट की पॉलिसी, महाराष्ट्र इज हैविंग द बेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी एज फार एज द सब्सिडी इज कंसर्न। हम बोलते हैं कि महाराष्ट्र की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर सब्सिडी मिलने में थोड़ा बहुत देर होता है, उसका रीजन है महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा पैमाने पर इंडस्ट्री आ रही है। दूसरी बात, महाराष्ट्र के अंदर सब्सिडी का प्रमाण भी बहुत ज्यादा है, तो इस तरह से आपको महाराष्ट्र का एक ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमें महाराष्ट्र के अंदर प्रोजेक्ट लगाना है। और बाकी छोटे छोटे बेनिफिट दिए हैं, इंसेंटिव फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन 25 लाख रुपए तक, सब्सिडी फॉर क्लीनर प्रोडक्शन, अगर आप ऑयल मिल में हो, जिनिंग प्रेसिंग में हो, तो आप जो प्री क्लीनर, स्टोन कैचर, सुपर क्लीनर, ये जो मशीनरी लगाते हैं उसके लिए 5 लाख रुपए तक के एडिशनल इसी पैकेज के अंदर आपको सब्सिडी मिलती है। टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन ऑफ जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री, सॉल्टेक्स मशीन है दाल मिल के साथ में लगाया हुआ है, तो 25 लाख रुपए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, 75% सब्सिडी फॉर क्वालिटी सर्टिफिकेशन, 25% सब्सिडी फॉर क्लीनर प्रोडक्शन मेजर अप टू 5 लाख रुपीज। तो ऐसे छोटे छोटे बेनिफिट और महाराष्ट्र शासन द्वारा दे दे। फिक्स एसेट्स की डेफिनेशंस क्या है इस तरह से, डज इट मीन दैट ओनली दी सब्सिडीज अवेलेबल ओनली फॉर न्यू यूनिट्स,
महाराष्ट्र के अंदर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर एक्सपांशन करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन, अगर मैं कॉटन जीनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री ओनर हो और मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन करता हूँ और मैं ऑयल मिल लगाता हूँ, तो इवन फॉर ऑयल मिल प्रोजेक्ट ऑल्सो आई एम एलिजिबल टू गेट दिस सब्सिडी फॉर एस्टेब्लिशिंग द ऑयल मिल प्रोजेक्ट। तो एक्सपांशन भी महाराष्ट्र पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव के अंदर कवर किया गया हुआ है। तो इस तरह से एक छोटे से प्रमाण के ऊपर आपके सामने मैंने महाराष्ट्र पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2019 के अंदर जो मोटे मोटे तौर पे बेनिफिट मिलते हैं आपके सामने रखे। एज फार एज महाराष्ट्र पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2019 इज कंसर्न, अगर इसका डिटेल में स्टडी करना होगा तो मेरे को मिनिमम 3 घंटे। हेलो हेलो, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, आई एम गेटिंग दिस। 3 से 4 घंटे का समय लगेगा, परंतु बहुत से उद्योजक अपने साथ में जुड़े हुए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अगर चाहिए तो स्पेशल इंटेंसिव कोर्स ऑन पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2019 हम अरेंज कर सकते हैं। हमने पूना ब्रांच के लिए इंटेंसिव कोर्स ऑन पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव राइट फ्रॉम मेकिंग एप्लीकेशन टू गेटिंग द सब्सिडी इन द हैंड्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर, उसके बारे में एक इंटेंसिव कोर्स ऑन पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव कर सकते हैं। 1 घंटे में पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव बताना नामुमकिन है, शक्य नहीं है। एक छोटे छोटे पर क्योंकि बहुत से उद्योजक अपने साथ में जुड़े हुए हैं, मैंने उनको इस बारे में कहा। अब थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं अभी स्लाइड बदल के सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर आ रहा हूँ, तो प्लीज वेट फॉर 1 मिनट, आई एम जस्ट चेंजिंग माई स्लाइड शो फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। मीनवाइल रमन जी, मैं प्रॉपर चल रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग हरी? नहीं नहीं सर, सही चल रहा है। Because say due to time constraint, I am not able to give in detail the large scale industry and mega ultra mega project, and I think we have to cover also the central government schemes. So I am just pushing over to central government scheme, which are the central government subsidy schemes of the government of India, and particularly I am going to have detailed deliberations on cold storage scheme today. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से कहा था आइए भारत में उत्पादन करिए। अभी हमारे एमएसएमई मिनिस्टर ने चैंपियन पोर्टल चालू किया है, और सही में यह चैंपियन है कि इन्होंने जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी रिवाइज डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई करा। महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मेक इन महाराष्ट्र का नारा दिया था इन जॉइंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मेक इन इंडिया। तो मेक इन महाराष्ट्र का उन्होंने कहा था, और मैग्नेटिक महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा इवेंट उन्होंने बीकेसी के अंदर बॉम्बे में लिया था। मैंने ये सारी पॉलिसी का डिक्लेयर अभी आपके सामने बताया। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाइब्रेंट गुजरात, जिस तरह से मेक इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किया, तो वाइब्रेंट गुजरात हर 3 साल में एक बार होता है, और मैं हर 3 साल में गुजरात के अंदर वाइब्रेंट गुजरात समिट जब भी होती है 3 दिन में मुख्य रूप से उपस्थित होता हूँ। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश अभी रिसेंटली हुआ था इंदौर के अंदर, उत्तर प्रदेश। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इट इज नॉट ओनली द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ईच एंड एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिविंग इंसेंटिव फॉर एस्टेब्लिशिंग द इंडस्ट्रीज इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी की बात करूँ तो हमारा ब्रेड एंड बटर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसके द्वारा हमारी रोजी रोटी चलती है। और जितने भी उद्योजक है जिनको कंपल्शन किया गया हुआ कि भाई यू हैव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न, यू हैव टू फाइल द जीएसटी रिटर्न, यू हैव टू कंप्लीट द जीएसटी ऑडिट, यू हैव टू कंप्लीट द टैक्स ऑडिट, सो आवर ब्रेड एंड बटर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसके वजह से हमारे को सीए का प्रोफेशन कहा गया है। कम अगेन, डॉक्टर के पास बीमार होता तो पेशेंट जाता है, परंतु एक सीए का ही ऐसा प्रोफेशन है। 31 मार्च खत्म हुआ क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट को विजिट देना पड़ता है, और अभी जीएसटी का तो ऐसा काम हो गया है क्या दिन भर चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में है, हर महीने में एक बार तो भी इंडस्ट्री वाले को आना पड़ता है। सो ब्रेड एंड बटर पर जो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई जुड़ना चाहते हैं, आज अपनी जो प्रैक्टिस है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, वो अभी धीरे धीरे कम होते जा रही है, क्योंकि ये कंप्लायंस प्रैक्टिस हो गई है। और हमें अगर प्रैक्टिस में आगे सर्वाइव होना होगा तो थोड़ा सा क्यों ना हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, और न केवल ऑडिट करें, उसके साथ साथ हम उस जो कोई भी एंटरप्रेन्योर, जो भी उद्योजक हमारे सामने आता है, उसको उद्योग लगाने में उसको उद्योग लगाने में सहायता करें, राइट फ्रॉम कंसेप्ट टू कमीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। इंडस्ट्री को बर्थ देने का काम करें, इंडस्ट्री का जन्म हम हमारे हाथ से करें, तो हमारी एमएसएमई प्रैक्टिस बढ़ सकती है,
एसएमई सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर का भारत की इकोनॉमी में क्या महत्व है, उसका ये साइड का प्रेजेंटेशन है। ये 176 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन है जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु मैं आपके सामने लेने वाला हूँ। ये स्लाइड मैं रमन जी लोया के पास भेज दूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उनके द्वारा ले सकते हैं और अपना डिटेल स्टडी कर सकते हैं। एमएसएमई सेक्टर का 30 दिसंबर 2019 तक का अगर स्टैटिस्टिक उद्योग आधार के हिसाब से देखें तो 83 लाख, और कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में है, 1 लाख, और 83 लाख एमएसएमई रजिस्टर हो चुका है। कितना बड़ा प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज हमें एमएसएमई सेक्टर के अंदर अवेलेबल है। हम लोग केवल टैक्स ऑडिट, जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अरे भाई, एमएसएमई को बहुत काम पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा लेबर लॉ के रिक्वायरमेंट है, पॉल्यूशन कंट्रोल के रिक्वायरमेंट है, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट है, ईपीएफ के रिक्वायरमेंट है, सो मेनी रिक्वायरमेंट्स आर देयर। एमएसएमई का एक्सपांशन है, बैंक प्रपोजल है, सीसी लिमिट है, सीसी एनहांसमेंट है, सीसी रिन्यूअल है। अगर 83 लाख एमएसएमई यूनिट रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में, तो हम क्यों ना ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के साथ साथ एमएसएमई प्रैक्टिस के अंदर उतरे। एमएसएमई के अंदर एम्प्लॉयमेंट 4,67,00,000, ये आंकड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है। जो रिवाइज डेफिनेशन एमएसएमई की आई हुई है, सो व्हाट इज माइक्रो स्केल एंटरप्राइजेस, 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का, 1 करोड़ तक का जिसका प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट है और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, ऑयल मिल यूनिट सारे माइक्रो के अंदर आएंगे, क्योंकि नॉर्मली 3 एक्सपेलर 4 एक्सपेलर की ऑयल मिल का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ का होता है, एक दाल मिल का टर्नओवर 5 करोड़ का होता है, कॉटन जिनिंग प्रेसिंग एक बार शायद माइक्रो में नहीं आवे, परंतु 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी बात हो गई। 1 करोड़ के अंदर 5 एक्सपेलर का ऑयल मिल इजिली बनता है, तो सारे ऑयल मिल वाले माइक्रो स्केल के अंदर आ गए, उनका टर्नओवर 5 करोड़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, सी ये टर्नओवर जो है ये एंड है, इट इज नॉट और। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ और हैविंग टर्नओवर अप टू 5 करोड़, अगर 5 करोड़ से ऊपर का आपका टर्नओवर बढ़ गया तो आपका अपग्रेडेशन होके स्मॉल स्केल में आ जाएंगे। दो यूर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 1 करोड़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑन हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 50 करोड़, सारी जीनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री मराठवाड़ा के अंदर स्मॉल स्केल के अंदर आ गई। मीडियम स्केल इंडस्ट्री हैविंग इन्वेस्टमेंट इनटू प्लांट एंड मशीनरी अप टू 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, स्पिनिंग मिल, रिफाइनरी, ऑल विल कम अंडर मीडियम स्केल इंडस्ट्री एंड दे विल बी। मुझे तो 100% कॉन्फिडेंस है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव को रिवाइज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर ये रिवाइज डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बैंकक्रप्ट हो जाएगा, इतने बड़े पैमाने के उनको, बड़े पैमाने के ऊपर उनको एमएसएमई सेक्टर को सब्सिडी देना पड़ेगी अंडर पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2019। सो एन एमएसएमई यूनिट हैविंग इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 250 करोड़, नॉर्मली 25,000 स्पिंडल का स्पिनिंग मिनट यूनिट अगर लगाते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ के अंदर होती है और उसका टर्नओवर 200 से 225 करोड़ के ऊपर नहीं जाता है। आज के गठान के और यार्न के रेट अगर मैं सोचता हूँ तो वो मीडियम स्केल में, पहले क्या होता था, स्पिनिंग मिल ये लार्ज स्केल में जाती थी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट ये लार्ज स्केल में जाता था, और मैंने आज आपके सामने पीएसआई के अंदर लार्ज स्केल के बेनिफिट डिक्लेयर नहीं करे, वह केवल एंड केवल एसजीएसटी रिफंड के लिए एलिजिबल होते थे। आज क्या परिस्थिति हो गई, वो मीडियम स्केल में आने की वजह से उनको एसजीएसटी रिफंड, इंटरेस्ट रिफंड और 1 रुपए इलेक्ट्रिसिटी रिफंड, तीनों के बेनिफिट मिलेंगे सिंस देयर इन्वेस्टमेंट इज मोर अप टू 50 करोड़ रुपीज एंड हैविंग टर्नओवर अप टू 150 करोड़। मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, मैं सबसे कहूंगा गेट योर फर्म रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म, वेदर इट इज ए प्रोप्राइटर, वेदर इट इज ए पार्टनरशिप, वेदर इट इज एन एलएलपी, वी आर एलिजिबल टू गेट अवर सेल्फ रजिस्टर्ड एज ए एमएसएमई यूनिट। My own firm, Modi and Agrawal, has been registered as an MSME unit and I am getting immense benefit by registering my own firm under MSME Act. What is the benefit to the chartered accountant firm? We are bidding for the central and state government audits. What is happening? We are supposed to pay the security deposit as well as tender fee deposits. If we have the MSME register, certain tenders can be submitted without having any tender fee and without any security deposit.
वंस वी आर गेट रजिस्टर्ड, मेरा यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी अभी नवंबर 2019 का आइटम पास करके आ गया और उसको ऑफिस खरीदना है, 25 लाख 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ से पैसा लाएगा? उसके पास तो कोलैटरल सिक्योरिटी भी नहीं है। सीजीटी एमएससी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलैटरल फ्री लोन के अंतर्गत चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के अंदर वो एप्लीकेशन कर सकता है वंस हिज ओन फर्म इज रजिस्टर्ड एज एन एमएसएमई यूनिट। एमएसएमई यूनिट को नेशनलाइज बैंक के द्वारा कंसेशनल रेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस ट्रीट होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट टेंडरिंग के अंदर होता है। जब जब गवर्नमेंट के ऑडिट अलॉट करे जाता है तो 20% का प्रेफरेंस ये एमएसएमई रजिस्टर्ड यूनिट को दिया जाता है। तो हमारी जो सर्विसेज, हम लोग जो सर्विसेज देते हैं अकाउंटिंग बुक कीपिंग ऑडिटिंग एंड टैक्स कंसल्टेंसी, इट इज अवेलेबल ऑन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन एज ए सर्विस प्रोवाइडर। टैक्स कंसल्टेंसी ऑडिटिंग, सो हूसोएवर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई, इट इज फ्री, नथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर गेटिंग उद्योग आधार, इट इज एन इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन। सो ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। मैंने तो इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट को अभी गुजारिश किया हुआ है कि व्हेनेवर वी फिल आवर स्टैटिस्टिकल डेटा, एमईएफ का जब एप्लीकेशन भरते हैं और कुछ भी एप्लीकेशन सीएनईजी का एप्लीकेशन करते हैं, टेक द एम्प्लॉयमेंट, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं राइट फ्रॉम अवर स्वीपर टू अवर आर्टिकल स्टूडेंट। अगर इस देश के अंदर 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 1 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म अगर भारत के अंदर है, अगर एक एक फर्म के अंदर भी ऑन एन एवरेज 20-20 एम्प्लॉय होंगे तो 20 लाख लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हम देश की इकोनॉमी में कर रहे हैं और ये स्टैटिस्टिक इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं हो। जिस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन द्वारा अगर 20 से 25 या 50 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, यह भारत सरकार को पता चलेगा तो हमारा इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट के पास एज ए पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, हम छाती ठोक के बोलते हैं पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, अरे पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग हम तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर के अंदर कहते हैं कि भाई 6 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, अगर उसमें से 10% एम्प्लॉयमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट उनकी प्रैक्टिस के अंदर अदा करते हैं तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम देश को देते हैं। मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट आईसीआई को लिखा हुआ है और मैंने वो वायरल भी किया था। सो दिस वे अभी हम जाते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसमें जो एक ये जो मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री की साइट पे आप गूगल करके जाइए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसमें आप ये स्कीम करके जो एक आइकॉन दिख रहा है यहाँ जा सकते हैं और यहाँ सारी स्कीम्स के डिटेल दिए हुए हैं, राइट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ खादी विलेज एंड कॉयर इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, मार्केटिंग प्रमोशन स्कीम, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ नेशनल स्फूर्ति एंड एस्पायर। इस तरह से भारत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। उसमें की जो पॉपुलर 6 स्कीम है, क्रेडिट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एमएसएमई, क्रेडिट एंड फाइनेंशियल, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडीज सब्सिडी स्कीम्स, सीजीटीएमएसई कोलैटरल सेंट्रल सीजीटीएमएसई कोलैटरल फ्री लो इंटरेस्ट सबवेंशन, 2 नवंबर 2018 को ऑनरेबल चीफ ऑनरेबल पीएम साहब आए थे, उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को टर्म लोन के ऊपर 2% का इंटरेस्ट सन 18-19-19-20 के लिए दिया हुआ था। तो इस स्कीम के अंतर्गत यह 4 स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के द्वारा रन की जा रही है, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग टू एमएसएमई वो एक स्कीम चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट स्कीम टू एमएसएमई स्फूर्ति एंड एमएससी सीडीपी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कॉम्पिटेटिव स्कीम्स फॉर एमएसएमई, डिजाइन क्लिनिक स्कीम, डिजिटल एमएसएमई स्कीम, ये बहुत अच्छी स्कीम है डिजिटल एमएसएमई स्कीम। इसका मतलब क्या, एज ए एंटरप्रेन्योर एज ए मैन्युफैक्चरर एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा अकाउंट डिवीजन होता है, वहाँ सर्वर है कंप्यूटर्स है सब कुछ है, तो डिजिटल एमएसएमई का मतलब है हमारा जो अकाउंटिंग डिवीजन है जो बैक ऑफिस है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस है अगर ये क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर लेके जाते हैं तो डिजिटल एमएसएमई स्कीम के अंतर्गत 1 लाख रुपए की कैपिटल सब्सिडी हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जाने के लिए मिलती है।
यह जरूरी नहीं है कि यह केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलती है। एनी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, फिर ऑयल मिल हो, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हो, रिफाइनरी हो, अगर वो क्लाउड के ऊपर जाता है, क्लाउड सॉफ्टवेयर के ऊपर जाता है, उनका सर्वर क्लाउड में रखते हैं, तो डिजिटल एमएसएमई स्कीम के अंतर्गत उन्हें 1,00,000 रुपए की सब्सिडी केंद्र शासन द्वारा प्राप्त हो सकती है। झेड स्कीम, झेड ईडी, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं जिसके अंदर 100% एक्यूरेसी है और जिसका पॉल्यूशन परसेंटेज जीरो है, अगर झेड सर्टिफिकेशन मिलता है, तो यह भी एक स्कीम है। ACMED स्कीम, IPRA स्कीम, टूल रूम्स एंड MSME टेक्नोलॉजी सेंटर स्कीम, प्रोक्रूमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट टू MSME, यह बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आप लोगों को पता होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के द्वारा एक जेम पोर्टल चल रहा है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। व्हाट इज दैट जेम पोर्टल? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जितने भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज है, जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, जितने भी लोकल अथॉरिटीज है, अबाउ 3,00,000 रुपीज का उनका जो भी परचेसेस होगा, नाउ दे हैव टू परचेस थ्रू जेम पोर्टल ओनली। तो एज ए मैन्युफैक्चरर, तुम जितने भी महेश्वरी समाज के या और कोई भी उत्पादक होंगे, वो जो कुछ उत्पादन कर रहे हैं, OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, या आप रीसेलर है, ट्रेडर है, आप किसी के एजेंट हो, तो आप इस जेम पोर्टल पे रजिस्टर्ड होके टेंडरिंग प्रोसेस के द्वारा, अभी जालना के अंदर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टेंडर आया था, उनको डस्टबिन की खरीदी करना थी, हर घर में डस्टबिन देने के, टेंडर इज फ्लोटेड थ्रू जेम पोर्टल। एंड नाउ जब जेम पोर्टल पे आ जाता है, तो भारत में से उसको टेंडर प्राप्त होते हैं, सप्लायर उसको टेंडर देते हैं, और उसमें से फिर गवर्नमेंट क्वालिटी और रेट का देखते हुए परचेस करती है। तो जेम पोर्टल के थ्रू बहुत बड़े पैमाने के ऊपर खरीदी हो रही है। अदर इनिशिएटिव, समाधान, एमएसएमई समाधान, एमएसएमई समाधान एक गवर्नमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम पाइडर्स का बहुत बढ़िया पोर्टल है। हमने देखा है क्या, बहुत बार एमएसएमई मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो एंसिलरी प्रोजेक्ट होता है, जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, ये गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी कॉरपोरेट एजेंसी इनसे माल खरीद लेती है और उनका पैसा देती नहीं है, कई बार उधारी वसूल नहीं होती है, और हम अगर कोर्ट में जाके दावा दाखिल करके अगर वसूल करना चाहते हैं, तो इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और इसके वजह से एमएसएमई क्या करता था, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके, भाई जो देना है पैसा दे, मराठवाड़ा, विदर्भ और तुम्हारा खानदेश, पर्टिकुलरली इस पार्ट के अंदर और साउथ में कई कॉटन जिनर्स के कॉटन बेल परचेस करके वहां के स्पिनर लोगों ने पैसा मना कर दिया है, कई कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल रहे कॉटन गठान परचेस करके पैसा अदा करने के लिए हाथ ऊपर कर दिए। तो एक समाधान पोर्टल है, अगर आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, तो आप समाधान पोर्टल के द्वारा, और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैं कहूँगा, जितने भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप ये समाधान पोर्टल का फायदा लेके ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आप आपके ऑफिस के आपके क्लाइंट के लिए समाधान पोर्टल के अंतर्गत, और औरंगाबाद की अगर मैं बात करूँ, तो ये समाधान पोर्टल के जितने भी केसेस हियरिंग के लिए, इट इज एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एंड महाराष्ट्र के अंदर जितने 6 महसूल है, तो औरंगाबाद एक महसूल है, और औरंगाबाद के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री यह एसएमई समाधान का आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। तो एमएसएमई समाधान आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है, और यह एमएसएमई समाधान के अंदर ज्यादा से ज्यादा 18 महीने के अंदर आपको जजमेंट आ जाएगा, जिसके लिए आपको 1 रुपए की कोई भी तरह की फी पेड नहीं करना है। तो ये डेब्ट रिकवरी, जो पैसा हमारा बुरित हो चुका है और जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, ऐसे लोगों के लिए रिकवरी का, आउट ऑफ द कोर्ट रिकवरी के लिए एक एमएसएमई समाधान पोर्टल का एक है, और एक है UAM उद्योग आधार लेने के लिए। तो ये एक उद्योग आधार का, मैंने आपको कहा उद्योग आधार फ्री ऑफ चार्ज है, कोई भी तरह का पेमेंट उद्योग आधार डाउनलोड करने के लिए पेमेंट नहीं करना पड़ता है। इस तरह से आप ये उद्योग आधार, ये स्कीम मैंने फिर बाद में डिटेल में बताई है, तो मैं आज केवल आपके सामने स्कीम के नाम रखा हूँ। आदमी की 3 जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान के बारे में तो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, जो कि हाई कास्ट, मिडल इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप के लिए
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सब्सिडी दी जाती है। फूड के बारे में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और मेरे जो प्रीडिसेसर आए थे कल के दिन जो राजेंद्र जी भुतड़ा थे, वो तो इसके अंदर माहिर है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए सब्सिडी अदा करते हैं। और जहां तक औरंगाबाद की बात है, औरंगाबाद के पैठन के अंदर एक फूड पार्क का उद्घाटन ऑनरेबल फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर के द्वारा हुआ था। तो वहां उस फूड पार्क में अगर कोई भी उद्योजक फूड प्रोसेसिंग का, फिर वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हो, वो दाल मिल हो, वो ऑयल मिल हो, वो कोल्ड स्टोरेज हो, ऐसा कोई भी तरह का प्रोजेक्ट लगाता है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग किसान संपदा योजना के अंतर्गत सब्सिडी लेने के लिए इलिजिबल है। सब्सिडी का प्रमाण जो है अलग अलग स्कीम के हिसाब से 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपए तक, 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 करोड़। अगर आप एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाते हैं तो सब्जेक्ट टू 10 करोड़, और आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि ऑलरेडी पैठन में एक डेसिग्नेटेड फूड पार्क औरंगाबाद के अंदर लगा हुआ है। आप वहां पे प्लॉट परचेस करके अगर कोई भी तरह का फूड प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट लगाते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। तो ये www.mofpi.gov.in इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, या आप गूगल करिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, तो आपको यहाँ 6 योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ा, भारत का स्वातंत्र जब मिला था तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी कपास का व्यापार करने के लिए, और अगर हम भारत के जितने भी प्रख्यात उद्योजक है, फिर वो टाटा ले लीजिए, बिरलास ले लीजिए, अंबानीज ले लीजिए, ये जितने भी बड़े बड़े उद्योजक है ये सारे टेक्सटाइल्स के वजह से डेवलप हुए। और भारत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा टेक्सटाइल प्रोजेक्ट लगाने के लिए बहुत बड़े पैमाने के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। पहले स्पिनिंग मिल भी कवर थी, निटिंग, गारमेंटिंग, सो ये अलग अलग तरह की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की जो जितने भी प्रकार की सब्सिडीज है ये txcindia.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल या टेक्सटाइल कमिश्नर ऑफ इंडिया का आप गूगल करिए, वहां आपको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा जितनी भी सब्सिडी के ग्रुप वर्कशेड, आपके इचलकरंजी के अंदर ग्रुप वर्कशेड के अंदर एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल पार्क बना हुआ है। इचलकरंजी ये बहुत बड़ा टेक्सटाइल का हब है। उसके बाद में नंदुरबार के अंदर टेक्सटाइल प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अमरावती में अभी टेक्सटाइल पार्क गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किया है, नागपुर में मीहान के अंदर एक टेक्सटाइल पार्क आ रहा है, मालेगांव में लूम्स का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, धुलिया के अंदर MIDC में अभी ग्रुप वर्कशेड के अंदर 150-150 करोड़ के प्रोजेक्ट ग्रुप वर्कशेड के अंदर टेक्सटाइल में लगा है, जिसमें वार्पिंग, साइजिंग, नीटिंग, गारमेंटिंग, ग्रे क्लॉथ सारा तरह का होता है। तो इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा टेक्सटाइल प्रोजेक्ट लगाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे, थोड़ा सा आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूँ वो डिस्कस करने वाला हूँ टेक्निकल टेक्सटाइल। आप बोलेंगे टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है, ये टेक्सटाइल का ही एक पार्ट है, परंतु ये बहुत एट्रैक्टिव एंड लुक्रेटिव फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। हमारे युवा भाई अगर कुछ प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं, हम कहते हैं कि भाई आपको अगर कुछ करना है तो आप ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल की वेबसाइट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, technicaltextile.txc.gov.in is the official website, या technical textile करके आप गूगल करिए तो technical textile का आपको मालूम पड़ेगा। What is technical textile? महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र टेक्सटाइल पॉलिसी चल रही है, और महाराष्ट्र टेक्सटाइल पॉलिसी के अंतर्गत अगर महाराष्ट्र में कोई भी टेक्सटाइल प्रोजेक्ट लगाता है तो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट 25% से 45% तक आपको सब्सिडी प्राप्त होती है। अगर आप नंदुरबार में, नवापुर में प्रोजेक्ट लगाते हो, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के अंदर, जो कि फार्म टू फैशन की बात है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के टेक्सटाइल डिपार्टमेंट द्वारा और उसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के द्वारा एट ऑफ अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम के अंतर्गत आपको सब्सिडी प्राप्त होती है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है,
टेक्निकल टेक्सटाइल जिस चेयर पे आप बैठ के आज ये सेमिनार वेबिनार सुन रहे हो, वो चेयर का जो कपड़ा बैठा लगा हुआ है दैट इज अ टेक्निकल टेक्सटाइल। जिस सोफा पे आप बैठे हुए हो वो भी एक टेक्निकल टेक्सटाइल है। जो कर्टन आपके घर में विंडो पे लगे हुए हैं या दरवाजे पे लगे हैं दैट इज अ टेक्निकल टेक्सटाइल। आपकी कार का जो कुशन बना हुआ है दैट इज अ टेक्निकल टेक्सटाइल। तो टेक्निकल टेक्सटाइल के प्रकार किस तरह से, एग्रोटेक खेती के अंदर भी टेक्निकल टेक्सटाइल का उपयोग होता है। एग्रोटेक जो आप ग्रीन हाउस पाली हाउस या जो प्लास्टिक के बिछाते हैं कुछ रोप प्लास्टिक का जो कपड़ा बिछाते हैं काला कलर का, अंगूर की खेती होती है तुम्हारे अलग अलग तरह की, स्ट्रॉबेरी की खेती हो, तो एग्रोटेक के अंदर भी टेक्सटाइल का ऊपर। बिल्डिंग बिल्ड टेक जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर स्लैब डाले जाते हैं जो कॉलम और ये बनते हैं, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर भी जो टेक्सटाइल का यूज होता है उसको टेक्निकल टेक्सटाइल माना जाता है। क्लॉथ टेक जैसे मैंने आपको कहा कर्टन, होम टेक जो घर के अंदर अपने यहाँ पायदान बनता है जब अपन घर में एंट्री करते हैं तो जो पायदान होता है पाव साफ करने के लिए दैट इज अ होम टेक। इंडस्ट्रियल टेक हमारे ऑयल मिल के अंदर जो एक्सपेलर के अंदर फिल्टर क्लॉथ लगाया जाता है दैट इज अ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल। मेडिटेक जो बैंडेज बनता है, जो हम लोग कपास यूज करते हैं दैट इज मेडिकल टेक। मेडिटेक के अंदर जो महत्व का आज के हिसाब से कोविड के अंदर इम्पोर्टेंट है पीपीई किट और मास्क, ये मेडिकल टेक्सटाइल के अंदर कवर होता है। मोबाइल टेक, इको टेक, पार्क टेक, प्रो टेक, स्पोर्ट टेक जो स्पोर्ट शूज बनते हैं, जो नेट बनती है वॉलीबॉल के लिए या बास्केटबॉल के लिए दैट इज अ स्पोर्ट टेक। डिफेंस टेक जो डिफेंस के अंदर नेट बनती है, जो सोल्जर्स लोगों के ड्रेस बनते हैं दैट इज डिफेंस टेक। प्रोडक्ट एनो अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। सो ये टेक्निकल टेक्सटाइल का बहुत बड़े पैमाने के ऊपर अभी इंडिया के अंदर प्रमोट हो रहा है। और अगर मैं टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर हूँ तो मुझे 15% से 5% एडिशनल सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा अदा की जाती है फॉर एस्टेब्लिशिंग टेक्सटाइल प्रोजेक्ट इन दिस स्टेट। नाउ कम टू द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कोल्ड स्टोरेज लगाने के लिए सब्सिडी जिसके द्वारा अदा की जाती है वो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। हम अगर औरंगाबाद जिले के किसी भी पार्ट के अंदर कोल्ड स्टोरेज लगाते हैं डिवीजन के अंदर और अगर वो कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी 5000 मैट्रिक टन से ज्यादा है तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा सब्सिडी अदा की जाती है। अभी कोल्ड स्टोरेज की सब्सिडी एप्लीकेशन लेने की विंडो ओपन की गई है, यह 24/7 365 डेज अवेलेबल नहीं है। अगर आप कोल्ड स्टोरेज की बात करेंगे तो अखिल भारत स्तर के ऊपर कोल्ड स्टोरेज की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और अभी तो भारत सरकार ने ये कोविड पैकेज के अंदर जो 1955 का एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था उसके अंदर जो स्टॉकिंग की बड़ी लिमिट थी वो लिमिट हटा दी है। तो ड्यू टू विड्रॉइंग द लिमिट फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रो कमोडिटी आई थिंक देयर विल बी मोर एंड मोर डिमांड फॉर एस्टेब्लिशिंग कोल्ड स्टोरेज एंड नॉर्मल गोडाउन्स within the in the entire nation and particularly in Marathwada part in Parbhani, Latur and all this part because Latur is the biggest dal mill producing center aur Latur ke andar already 2-3 cold storage bane hue hai tumhare Jalna mein to Aurangabad ke andar cold storage bane hue hai to cold storage schemes cold storage ke andar jo subsidy ada ki jati hai it is credit linked back ended subsidy 35% of the capital cost of the project। हमने महाराष्ट्र पैकेज स्कीम का जब डिस्कशन किया तब हमने बताया कि व्हाट इज कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, सो 35% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 50% इन द केस ऑफ हिली एंड शेड्यूल एरिया अप टू बैक। तो अगर मेरा 35% से हिसाब से मेरा अगर कैपिटल कॉस्ट 4 करोड़ आता है, मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, 5000 मैट्रिक टन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8000 अपर लिमिट कॉस्ट का फाइनल करके रखा हुआ है। So 35% से हिसाब से 1.4 करोड़ और 50% के हिसाब से 2 करोड़ की सब्सिडी हमें कोल्ड स्टोरेज लगाने के लिए मिल सकती है। तो यह चार्ट है। माय चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स हु आर इन प्रैक्टिस, वी नो सेक्शन 35AD ऑफ द एक्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। कोल्ड स्टोरेज को नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन पूना यह दो संस्था द्वारा अबव 5000 मैट्रिक टन बिलो 5000 मैट्रिक टन सब्सिडी अदा की जाती है। But in addition to that, what is happening under Income Tax Act? Section 35AD क्या बोलता है?
सेक्शन 35 ईडी बोलता है 100% डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कैपिटल नेचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अबव स्पेसिफाइड बिजनेस एक्टिविटी एंड कोल्ड चेन फैसिलिटी एंड एग्री गोडाउन कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टोरेज ऑफ एग्री कमोडिटी इज डिफाइंड एज ए स्पेसिफाइड एक्टिविटी अंडर सेक्शन 35 ईडी. तो मैं अगर कोल्ड स्टोरेज बनाता हूँ तो मुझे सेक्शन 35 एडी के अंतर्गत कैपिटल कॉस्ट, अगर मेरा कोल्ड स्टोरेज 6 करोड़ का बना, जिस साल में मेरा कोल्ड स्टोरेज ये ऑपरेशन में आएगा उस साल मुझे सेक्शन 35 एडी के अंतर्गत 100% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी अलाउबल एज ए डिडक्शन. सो इन एडिशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर एस्टेब्लिशिंग कोल्ड स्टोरेज, मुझे इनकम टैक्स कायदे के अंतर्गत भी सेक्शन 35 एडी के अंदर 100%, पहले ये 150% तक बेनिफिट था, धीरे धीरे ये अभी कम होते जा रहा है. आई डोंट नो व्हाट इज द प्रेजेंट प्रोविजन इन 2021, बट स्टिल देर इज अ डिडक्शन अवेलेबल फॉर एस्टेब्लिशिंग कोल्ड स्टोरेज अंडर सेक्शन 35 एडी ऑफ द इनकम टैक्स. नाउ आई कम टू द नेक्स्ट स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज अ वेंचर कैपिटल असिस्टेंस फॉर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विच इज अ चाइल्ड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर विच इज नोन एज SFAC, वेंचर कैपिटल असिस्टेंस फॉर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. किसको मिलता है? इंडिविजुअल फार्मर्स, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, सेल्फ हेल्प ग्रुप कंपनीज, एग्री एंटरप्रेन्योर्स. सो कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज एक्टिविटी, दाल मिल, जो भी वैल्यू एडिशन जिसका कच्चा माल या खेती से आता है, ऑयल मिल भी वेंचर कैपिटल के लिए एलिजिबल है. मैंने नंदुरबार जिले में, शिरपुर जिले में, सिंदखेड़ा तालुका के अंदर, शिरपुर तालुका के अंदर, नंदुरबार के अंदर, शहादा में और महाराष्ट्र में कितने ही जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री को हमने वेंचर कैपिटल असिस्टेंट मिला के दिया हुआ है. वेंचर कैपिटल असिस्टेंट ये सब्सिडी नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ, यह एक तरह का इंटरेस्ट फ्री सॉफ्ट लोन है जो हमें इंटरेस्ट फ्री के तौर पर मिलता है. कौन कौन से प्रोजेक्ट एलिजिबल है? डेयरी प्रोजेक्ट और पोल्ट्री प्रोजेक्ट इज ऑल्सो एलिजिबल. इतने प्रकार के इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ सेक्टर एंड प्रोडक्ट एलिजिबल फॉर वेंचर कैपिटल असिस्टेंस, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, आप ये सारा देखिए. वेंचर कैपिटल असिस्टेंस हमें कितना मिलता है? हाउ मच इज द वेंचर कैपिटल असिस्टेंट इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री अंडर SFAC स्कीम ऑफ वेंचर कैपिटल? 26% ऑफ द प्रमोटर्स कैपिटल. मैं कितना कैपिटल खुद बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ उसका 26% या मैक्सिमम 50 लाख रुपया मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में मिलता है. एंड वो मुझे रिफंड करना है. कब रिफंड करना है? व्हेन माय लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन इज रिपेड. So my practicing chartered accountant who is hearing today me, while drafting the project report, OCIU per cost of project is say 5 crore rupees. So normally what happens, 2 crore is promoted, 2 crore is given by the promoters, 3 crore is the bank loan. Now what will happen? 26% of promoter's equity. अगर प्रमोटर ने 2 करोड़ रुपए लाया और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 5 करोड़, नाउ 50 लाख, 26% ऑफ 2 करोड़ कम्स टू 52 लाख. सो 50 लाख इज ओनली एलिजिबिलिटी. सो 50 लाख विल बी अ वेंचर कैप. सो आपके मींस ऑफ फाइनेंस में VCA फ्रॉम SFAC इसका रेफरेंस होना बहुत आवश्यक है. इफ यू वॉन्ट टू अवेल द वेंचर कैपिटल असिस्टेंट, योर प्रोजेक्ट शुड बी अप्रेज्ड अकॉर्डिंग बाय द फाइनेंसिंग बैंक. अगर आपकी फाइनेंसिंग बैंक ने वेंचर कैपिटल असिस्मेंट का रेफरेंस उनके सैंक्शन में नहीं दिया, सो योर प्रोजेक्ट विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट द वेंचर कैपिटल. इट इज 50 लाख रुपीज. अगर मैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वो बैकवर्ड पार्ट में जाता हूँ, घाटंजी में हमने एक प्रोजेक्ट को 125 करोड़ का वेंचर कैपिटल असिस्टेंट मिला के दिया, विच इज 26% ऑफ दैट. वहाँ पे अपर लिमिट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 10 करोड़. तो मैं अगर नॉर्मल इसमें प्रोजेक्ट लगाता हूँ तो मेरा अपर लिमिट 5 करोड़ रुपए तक है. और अगर मैं हिली पार्ट में जाता हूँ, ITDP एरिया में जाता हूँ, TSP एरिया में जाता हूँ, ट्राइबल सब प्लान में जाता हूँ, तो मेरा वेंचर कैपिटल असिस्टेंट ये 3 करोड़ रुपए तक मुझे मिल सकता है. फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, हमें पता नहीं होगा पर महाराष्ट्र के अंदर पर्टिकुलरली अगर आप नासिक बेल्ट में जाओ और नांदगांव में जाओ, अगर आप पूना, सांगली, सातारा, कोल्हापुर में जाओ, तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बहुत बड़े पैमाने पे होती है. एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु इज लिसनिंग टू मी टुडे, यू विल अवेयर, यू मस्ट बी नोइंग दैट व्हाइल प्रेजेंटिंग द फाइनेंस बजट ऑन 1st फेब्रुआरी 2020, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दैट
Honorable Finance Minister has said that they have the target of establishing 10,000 farmer producer company in financial year 2021. Kitni 10,000 farmer producer company is desh mein unko nirman karna hai. Aur hame pata hai farmer producer company ko income tax ke antargat 5 saal income tax holiday diya gaya hai. 5 saal tak. Aur equity grant scheme SFSE द्वारा अगर हमने 15 लाख रुपए का इक्विटी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो हमें SFSE द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को मैचिंग ग्रांट इक्विटी के फॉर्म में बोनस के रूप में मिलता है. और क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम 1 करोड़ रुपए तक का भाग भांडवल 1 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन हमको नेशनलाइज बैंक द्वारा विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कोलैटरल सिक्योरिटी, क्योंकि वो सिक्योरिटी SFSE लेती है. तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अगर हम रजिस्टर्ड करके, उसके लिए एक बेसिक कंडीशन है, दे दी प्रमोटर ऑफ द कंपनी मस्ट हैव 712 एक्सट्रैक्ट इन देयर ओन नेम. 712 जिसके नाम से खेती है वही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का प्रमोटर बन सकता है. और बहुत बड़ी टैक्स प्लानिंग देश के अंदर बाय एस्टेब्लिशिंग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चल रही है. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 जून 2020 को 50,000 करोड़ की 3 स्कीम उन्होंने लॉन्च की है. इस स्कीम के अंतर्गत वह भारत के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आपने देखा हो गया क्या 1+ और 2+ और 7+ करके जो चाइना से मोबाइल आ रहे 25,000 50,000 1 लाख के, तो भारत को मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा 50,000 करोड़ का सब्सिडी देने की, ग्रांट देने की एक स्कीम डिक्लेयर की हुई है. वो 3 स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिक्लेयर की है. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. तो भारत के अंदर अगर 15,000 रुपये से ज़्यादा वैल्यू का अगर कोई मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है तो 4% से 6% तक इनवॉइस वैल्यू पे उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए. तो इस तरह से यह प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर प्रोड्यूसिंग मोबाइल इन द विद इन द कंट्री इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सेकंड स्कीम है उनकी स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स. इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मेरे दोस्त या मेरे बंधु आज मेरा लेक्चर सुन रहे हैं या जिसके परिवार के अंदर कोई बच्चा ENT इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर कोर्स कर रहा है पुणे बॉम्बे में जाके, वो लोगों ने यह स्कीम की पढ़ाई करना चाहिए. महाराष्ट्र ITIS पॉली की पढ़ाई करना चाहिए और खुद का उद्योग लगाना चाहिए. इस पॉलिसी के अंतर्गत 25% की कैश सब्सिडी उद्योजक को मिलने वाली है. थर्ड स्कीम है मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम्स. इलेक्ट्रॉनिक औरंगाबाद दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर आ रहा है. और औरंगाबाद के अंदर क्यों ना हम एक क्लस्टर तैयार करें जहाँ पर एक इंटीग्रेटेड पार्क जैसा, वहाँ पर एक फूड प्रोसेसिंग पार्क बना हुआ है, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का क्लस्टर शेंद्रे बिडकन जो 5-स्टार MIDC वहाँ तैयार करें. तो ऐसा क्लस्टर तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा यह स्कीम के अंतर्गत 70 करोड़ रुपए तक की 70% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द क्लस्टर और सब्जेक्ट टू 70 करोड़ विल बी ऑफर्ड इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी. सो प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी 4% to 6% तक. तो मैं ये स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ 3,285 करोड़ रुपए इसके लिए रखा हुआ है. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी होता है, मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम, यह स्कीम के अंतर्गत भी 3,762 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान किया हुआ है. यह स्कीम 3 साल के लिए ऑपरेशनल में है. 31 मार्च 2023 तक हम ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस तरह से उसकी मॉनिटर होगी. सो इस तरह से और भी बहुत सारी है वेरियस गवर्नमेंट में. थोड़ा सा और 6:40 तक मैं बोलूँगा, उसके बाद में 20 मिनट तक अपन क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे. डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, यह साइट में यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स को कहूंगा और जो उद्योजक उद्योग में आना चाहते हैं, क्या डबलिंग द फार्मर्स इनकम,
और आज ऐसी चीज हो गई क्या, 1,00,000 करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने COVID-19 में डिक्लेयर किया हुआ है फार्म गेट के ऊपर, यानी फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बी कीपिंग 500 करोड़ रुपया, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ रुपया, इतने बड़े पैमाने के लिए एग्रीकल्चर के, और एग्रीकल्चर की बहुत सारी स्कीमें चल रही है डिपार्टमेंट, और ये जो अपने मंत्री पीयूष जी गोयल डिपार्टमेंट डीआईपी, ये जो है ये इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया की स्कीम चल रही है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर औरिक सिटी इन औरंगाबाद, एमएसएमई में प्रैक्टिस करने वाले जो मेरे भाई है औरंगाबाद के अंदर, उन्होंने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत शेंद्रा बिड़किन एक ऐसा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नोड है जो डेवलप हो रहा है, जो कि नरडाना होने वाला था उसको छोड़ के गवर्नमेंट ने 25 से 67 औरंगाबाद के पास ये डेवलप किया है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 6 स्टेट में से वो जा रहा है, एंड आई थिंक औरंगाबाद चार्टर्ड अकाउंटेंट औरंगाबाद एंटरप्रेन्योर शुड टेक द बेनिफिट ऑफ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वहां पे एक नोडल ऑफिसर औरंगाबाद में बैठा हुआ है, investindia.gov.in, जितने भी चाइना और यूएसए से अभी इंडिया के अंदर ये नीति आयोग का प्रमोटेड है, इसमें आईएएस ऑफिसर का ऑफिसर इसको लीड कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अब कोविड के अंदर जितना भी पैकेजेस आ रहा है, नंबर ऑफ स्कीम्स, जो डॉक्टर्स, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग है ना केवल व्यापारी की तरफ ध्यान देखते हैं, ये जो स्कीम चल रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिजिटल एमएसएमई जो मैंने आपको बताया, स्फूर्ति, ये मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, नाबार्ड, बहुत बढ़िया एक नाबार्ड की वेबसाइट आप बार बार विजिट करते रहिए, और उसमें एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में लिखा हुआ है नाबार्ड द्वारा, गवर्नमेंट कितनी स्कीम चल रही है, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, छोटा सा जो सवेरे जाके हम एक दूध लेके आते हैं, वो जो डेयरी वेंडर है जो डेयरी दूध बेचता है सुबह, वहां से लेके तो पेस्टराइजेशन यूनिट तक नाबार्ड द्वारा सब्सिडी, रेफर वैन जो दूध की टैंकर होती है वो टैंकर खरीदने के लिए भी नाबार्ड द्वारा डेयरी आंध्रप्रदेश DEDS स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी दी जाती है, और जो उनकी ये सबसे आखिरी स्कीम है न्यू एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको अमी स्कीम कहते हैं, इसके अंदर ग्रामीण भंडारण योजना जो पहले थी उसके अंदर अभी ये गोडाउन बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल ग्रिड कनेक्टेड ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर एनर्जी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई कभी ध्यान नहीं देते हैं, अरे यार फूड लाइसेंस का क्या काम करना, पर ये बहुत अच्छा एक वेबसाइट है, और हमें ये साइड बाय साइड अगर हमारे कोई क्लाइंट फूड प्रोसेसिंग में है, फूड मैन्युफैक्चरिंग में है, होटल है, छोटे छोटे पान टपरी वाले को भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अंदर लाइसेंस लेना पड़ता है, किराना दुकानदार को लेना पड़ता है, कोल्ड स्टोरेज वाले को लेना, इट इज अ रिन्यूएबल लाइसेंस, तो फूड सेफ्टी का लाइसेंस अगर आप ऑनलाइन काट के देते हैं तो ये वैल्यू एडेड सर्विसेज आपके ऑफिस के अंदर बन सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बहुत बड़ा, भारत सरकार का जितना प्लान एक्सपेंडिचर है इतना बड़ा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री एमजी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशनल ये मिशन फॉर अंतोदया, तुम्हारे स्वच्छता अभियान, इतने बड़े पैमाने पे ये स्कीम के अंदर खर्चा होता है कि पूछो मत, अगर हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इस एरिया में आना चाहते हैं, आप बोलेंगे इसमें बिजनेस कैसा मिलेगा, अरे भाई आखिर में एमएसएमई यूनिटी तो ये काम एग्जीक्यूट करेगा, आवास योजना आती, सड़क योजना आती है या स्वच्छ भारत योजना आती है तो काम किसको मिलने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को, तो गवर्नमेंट की योजना कौन सी है और हमारे क्लाइंट को हमने कैसा ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए वो इस योजना, अभी अगर मिड डे मील की बात करूं तो मिड डे मील इज आल्सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, फूड अन्न सुरक्षा योजना, तो मिड डे मील के अंदर गवर्नमेंट का कितना बड़ा काम चल रहा है, तो मिड डे मील कौन तैयार करके देता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सिडबी, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अगर प्रैक्टिस करना चाहता है, सिडबी की निश्चित वेबसाइट भी अगर वो पढ़े 3-4 दिन 5 दिन महीना भर, तो वो केवल सिडबी का भी काम संभाले तो उसको 365 दिन का काम मिल सकता है, तो सिडबी की इतनी योजनाएं चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, सिडबी और ऑल दिस थिंग,
मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल, जैसा मैंने आपको एमएसएमई समाधान पोर्टल कहा, इतने एप्लीकेशन उद्योग आधार के बारे में मैंने कहा आपको, मैंने जेम पोर्टल के बारे में गया बताया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस दोस्तों बहुत बढ़िया स्कीम है, और हमने तो काफी उद्योजक का जेम पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके दिया। उद्योजक उद्योग कर सकता है, उसको कितना टेंडर आया, मैंने जो प्रोडक्ट बताया उसको वक्त ही नहीं मिलता है। तो मेरे यहाँ तो एक टीम है जो जेम पोर्टल के ऊपर कौन से उद्योग को कौन सा टेंडर बीड हुआ है और उसको मैं बीड करूँ, ये काम देखने के लिए एक अलग आदमी बैठा के रखा हुआ है। अभी आत्मनिर्भर भारत जैसा मैंने आपको कहा, क्या 20 लाख करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, वो 10% ऑफ जीडीपी है एमएसएमई सेक्टर के लिए। और बिजनेस उद्योजक लोग बोलते हैं ट्रेडर को क्या दिया इस पैकेज के अंदर, अरे भाई 3 लाख करोड़ में से ट्रेडर भी तो कवर किया हुआ है। आपने अगर बैंक से वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी लिया है तो आप भी कवर्ड होते हैं। तो इस तरह से 20,97,053 लाख करोड़ का पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, जिसके अंदर एमएसएमई, एमजी नरेगा, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, फूड, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस 10,000 करोड़ का बेनिफिट है, छोटे छोटे घरों के अंदर जो रेडी टू ईट फूड बना के बेचते हैं उनके लिए बनाया हुआ है, हर्बल कल्टिवेशन बी कीपिंग के लिए 500, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1,00,00,000 करोड़ रुपया। आप इस स्कीम के ऊपर कंटिन्यूस ध्यान रखो, पूरा मराठवाड़ा के अंदर मैं बोलता हूँ कम से कम 1,000 करोड़ रुपया इस स्कीम का बेनिफिट उद्योजक ले सकते हैं। केवल इस स्कीम का ध्यान रखो कि ये स्कीम के गाइडलाइंस क्या आते हैं, 1,00,00,000 करोड़ का। सो विद दिस आई स्टॉप ओवर हियर। नाउ इफ देर इज एनी क्वेश्चन, देर आर नंबर ऑफ स्लाइड, आप थक जाएंगे, मैं भी थक जाऊंगा बोलते बोलते, बिकॉज इट्स इज अ वेरी लार्ज टॉपिक। सो विद दिस एग्रीकल्चर के सेक्टर्स में, so with this I stop over here. Now you can raise the questions if you have any. To the best of my possible efforts, I am trying to solve those questions which are within my capacity. Sorry for due to limitations of time, मैंने केवल आपको introduction दिया है, मैं यह claim नहीं करूँगा क्या मैंने आपको detail में बताया है। Detail में बताने के लिए एक एक scheme के लिए मुझे आपको 3-3 घंटा देना पड़ेगा। I am ready if any time in future if you want to understand the schemes. With this, I thanks to Ramanji Loya and Maheshwari Samaj Aurangabad for giving me this opportunity. Now the question session is open for question. Ramanji, aap handle kariye. Those who want to question, they can you can unmute them. Yes. Sir, before question and answer session, मैं सभी श्रोताओं को कहना चाहता हूँ, क्या सर का पीडीएफ फाइल यूट्यूब लिंक में अटैच कर देंगे हम, आप यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हो, इसके लिए अभी ईमेल आईडी लिखना मत वहाँ पे। एंड बिफोर क्वेश्चन एंड आंसर्स, आई लाइक टू थैंक जीबी मोदी सर, यकीन में सब्सिडी गुरु से ज्यादा अभी मास्टर ब्लास्टर भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी बताया सर ने कहाँ पे भी ऐसा वो कुछ जो डेफ था, हर डेफ बताया सर ने। तो सर मैं सीए रमन लोया ऑन बिहाफ ऑफ औरंगाबाद जिला माहेश्वरी युवा संगठन, माहेश्वरी इंडस्ट्रियल ग्रुप एंड औरंगाबाद माहेश्वरी मंडल के ओर से आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, और सीए सोनी सर का भी धन्यवाद देता हूँ। अभी क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं सर, वन बाय वन। सर फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था, कैन प्रोफेशनल टेक अ स्टैंप ड्यूटी एग्जेम्पशन व्हाइल परचेसिंग ऑफिस? सर्विस एंटरप्राइजेस को स्टैंप ड्यूटी एग्जेम्पशन पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2019 में नहीं है, ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। ओके, दो वी आर रजिस्टर्ड एज एन एमएसएमई यूनिट बट वी आर इन सर्विस सेक्टर, हेंस वी आर नॉट एलिजिबल। इफ मैं आईटीएस सर्विसेज में रजिस्टर्ड करता हूं, That is a planning. कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस नहीं बताता हूँ, मेरी वाइफ के नाम से परचेज करता हूँ, एंड आई शो माई ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज डाटा प्रोसेसिंग सर्वर, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, जेरोक्स मशीन एंड एसोसिएटेड इन्वेस्टमेंट एज माई आई टी सर्विसेज, एंड इफ इट इज कवर्ड अंडर आईटीएस पॉलिसी, देन इवन इन आईटीएस पॉलिसी स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन इज देयर, बट वन हैज टू रीड द आईटीएस पॉलिसी इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन ऐसा है, बिजनेस 2019 के पहले स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट भी हुआ, प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया, बट सब्सिडी आज तक क्लेम नहीं की, तो अभी कर सकते हैं क्या? सर मैंने कैसा टाइम कम था, पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव के अंदर इट इज नॉट योर राइट टू क्लेम दी सब्सिडी,
you have to fulfill certain conditions to become eligible to get the subsidy. आपको अमुक तारीख के पहले initial effective step, तीन step government of Maharashtra ने prescribe की है, possession of land, constitution clearance and consent to establish obtain करना. तो जो भी enterprises ने 1/4/2019 के बाद में से ये तीनों में से कोई भी एक step fulfill करी होगी तो then that unit will be eligible to get the subsidy under PSI 2019. अगर मैंने प्रोडक्शन भी 1/4/2019 के पहले कर दिया परंतु मैंने पजेशन ऑफ लैंड भी उसके पहले का है, कॉन्स्टिट्यूशन भी उसके पहले का और कंसेंट टू एस्टेब्लिश भी उसके पहले का है, देन आई हैव मिस्ड द बस. मैं 2013 के लिए एलिजिबल था प्रोवाइडेड आई हैव मेड द एप्लीकेशन इन दैट स्कीम. सो देयर आर नंबर ऑफ यूनिट्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, नाइदर दे हैव बिकम एलिजिबल इन 2013, नाइदर दे हैव बिकम एलिजिबल इन द 2019. दैट इज अ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी. It requires detailed explanation, case studies जिसको बोलते हैं. But apparently what you have told, in my opinion, if he has already gone into commercial production, I don't think he will be eligible to claim under 2019 scheme. I don't know what about 2013 scheme. Provided if he has made the application, he can take the benefit in 2013 scheme. Sir, CA Amit ji Randhad ka question hai, live hai wo. Yes, sir. अमित जी बोलिए सर. हेलो. या अमित जी. सर ये जो आईपीएस का जो बास्केट है उसमें एसजीएसटी का पोर्शन दिया है सिर्फ जी. तो अगर आईजीएसटी है तो क्या करना पड़ेगा सर? नहीं नहीं, आपको आईजीएसटी मिलेगा नहीं. सी गवर्नमेंट ऑफ हेलो, मैं आपका आंसर दे रहा हूँ. आई थिंक योर क्वेश्चन. हाँ सर. सी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आपको सब्सिडी दे रहा है. अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को टैक्स नहीं मिला तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी क्यों देगा? अगर आईजीएसटी पेड कर रहे हो आप तो इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. जो स्टेट में वो गुड कंज्यूम हो रहा है उस स्टेट को टैक्स मिल रहा है. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज ओनली रिफंडिंग यू द आईजीएसटी, सॉरी एसजीएसटी, नॉट आईजीएसटी. तो आपको अभी उसमें और एक टेक्नोलॉजी, उन्होंने और एक अमेंडमेंट लेके आया है. पहले हम लोग क्या करते थे, हमारी सिस्टर फर्म बना के महाराष्ट्र का बिल करते थे, उसको सेल करते थे, वो आउट ऑफ महाराष्ट्र सेल करता था. पर नौ तरह के ट्रांजैक्शन उन्होंने हटा दिए हैं. एसोसिएट फर्म, सिस्टर्न फर्म, ब्लड रिलेशन फर्म, उसको अगर हम सेल करते हैं तो यू हैव टू मेक अ सेल, लोकल सेल महाराष्ट्र में बताना पड़ेगा, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू क्लेम द एसजीएसटी रिफंड. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉस्पिटल के लिए कुछ सब्सिडी है क्या? पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2019 में नहीं है. नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत कुछ 100 बेड के ऊपर अगर कोई हॉस्पिटल बनाता है तो नेशनल हेल्थ मिशन ही है, कुछ सब्सिडी है. पर आई एम नॉट डूइंग दैट एरिया ऑफ प्रैक्टिस. पर डेफिनेटली इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत अगर आप जाओगे तो 100 बेड से ज्यादा कैपेसिटी के लिए कुछ सब्सिडी है, बट आई कैन नॉट से अथॉरिटेटिवली. ओके सर, अभी स्टेट गवर्नमेंट का कोल्ड स्टोरेज में सब्सिडी है क्या? कोल्ड स्टोरेज की सब्सिडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पीएसआई 2019 में हटा दिया है जो 2013 में था. परंतु चीफ मिनिस्टर एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के अंतर्गत इफ एनीबडी इज एस्टैब्लिशिंग ए कोल्ड स्टोरेज देन ही कैन क्लेम 30% of the machinery cost, maximum 50 lakh rupees subsidy for establishing cold storage in the state of Maharashtra. Still there is a subsidy, but it is removed from PSI and now it is introduced under Maharashtra Chief Minister Agro and Food Processing Policy. Okay. Sir, actually mera question hai, what care should a businessman should take care while incorporating any new unit? First of all, he should not establish any unit because the subsidy is available. So first of all, the project should be viable. Project itself become a viable, uska project ke andar profitability hogi to project lagao. And after that, whatever subsidy will be available, give the second thought to the subsidy, not a primary thought to the subsidy. What I have seen, number of people have established the unit with an eye on the subsidy. आज कल भी मेरे पास एक उद्योजक बेटा था, सर 100% सब्सिडी में मला तर काहीच लावावं लागणार नाही. अरे बाबा, पहिले प्रोजेक्ट लाव, त्याच्यानंतर 10 वर्षात सबसिडी मिळणार आहे.
सो इफ यू रन द प्रोजेक्ट यू विल अर्न द बेनिफिट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस. मेरे पास मैंने कई बार 99% प्रोजेक्ट कैसे देखे है, सर हमारे पास जगह है हमको प्रोजेक्ट डालना है. सो डोंट एस्टेब्लिश द प्रोजेक्ट इफ यू हैव द लैंड इन योर पोजेशन. एस्टेब्लिश द प्रोजेक्ट वेयर यू कैन गेट द एन ए ऑर्डर, वेयर द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल, आइदर द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल. मेरे पास जगह इसलिए मैं प्रोजेक्ट डालता, ये थेरी हटा दो, क्योंकि आपकी जगह की कीमत है. शेड्यूल एरिया नॉन शेड्यूल एरिया, 100% सब्सिडी वाला एरिया, 80% सब्सिडी वाला एरिया. अरे अमुक एक जिनर है मध्य प्रदेश का, उसने बीड के आखिरी जिले में और आखिरी जिले में एक जिनिंग प्रेसिंग, आखिरी खेड़े में जिनिंग प्रेसिंग डाली थी. व्हाट वाज द पर्पस? टू अवेल द इनकम टैक्स हॉलीडे फॉर 3 years. यू नो जब बीड जिले को इनकम टैक्स हॉलीडे देता था 3 years के लिए. सो द डिसीजन हैज टू बी टेकन बेस्ड ऑन द वेरियस इंसेंटिव अवेलेबल बाय स्टेट गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. So that precaution, and you should see मेरा chartered accountant, मैं sorry to say मेरा chartered accountant है और वही मेरा सब देख लेगा, income tax भी देख लेगा, sales tax भी देख लेगा, appeal matter भी देख लेगा, मेरा industrial matter भी solve कर देगा. You have to select a proper person who has, अगर मेरा पेट दुख रहा तो मैं कान के डॉक्टर के पास नहीं जाता, आँख दुख रही तो पेट के डॉक्टर के पास नहीं जाता. So the entrepreneur who is planning to establish the unit, he should select a proper person who is having thorough knowledge right from concept to commissioning of the project. He should approach to such chartered accountant, such consultant, irrespective of his tax auditor or routine chartered accountant. So he will get and kabhi bhi ati mahatvakankshi mat ro. So this is my brief to young entrepreneur who are coming to industry. Okay, Abdul ji line pe hai sir, please. First of all sir, Modi sir, thanks for the informative session. I am Atul Shabastra from Ethnic Foods Mumbai. Sir, we have we are into food processing, all type of fruit processing, whole and pulp processing. So we have a small unit in food park, Mega Food Park, Satara, on long lease, legal license basis. So can we get any subsidy under PSI scheme or MOFP scheme, Kisan Sampada Yojana? MOFPI scheme के लिए उनका एक basic condition है, the project cost should be more than 3 crore. MOFPI के अंदर का. आपने एक काम तो अच्छा करा कि आपने designated food park में project लगाया. But as you say that your project is small one, it is though you are eligible to claim the subsidy under Maharashtra package scheme of incentive as well as Chief Minister Agro and Food Processing. दोनों का बेनिफिट ले सकते हैं. द ओनली कंडीशन इज दैट द टोटल सब्सिडी विल नॉट इंक्रीज 100% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट. ओके सर, बट यू आर एलिजिबल टू गेट दिस सब्सिडी. ओके, ऑन लीव एंड लाइसेंस बेसिस. यस, सी लीव, इट इज अ लॉन्ग लीज, मोर देन 15 इयर्स. नो सर, इट लेसर, इट इज लेसर. हाउ मच द पीरियड, लीज पीरियड? एज ऑफ नाउ वी हैव ओनली 2 इयर्स, बट वी आर प्लानिंग टू इंक्रीज अराउंड 5 और 10. हाउ मच जस्ट अभी तो सर मैंने 2 साल का एग्रीमेंट किया. नहीं, देन यू आर नॉट एलिजिबल. नो, यू आर नॉट एलिजिबल. मिनिमम पीरियड रिक्वायर्ड, मिनिमम रिक्वायर्ड पीरियड इज 5 ईयर एंड देयर मस्ट बी अ क्लॉज इन योर लीज डीड एट ऑटोमेटिक एक्सटेंशन ऑफ लीज पीरियड, देन ओनली यू आर एलिजिबल. ओके सर, बट एक स्मॉल क्वेश्चन कि वी हैव नाउ वी हैव 2 इयर्स एग्रीमेंट, बट एक दो तीन महीने में एग्रीमेंट 2 साल पूरा हो रहा है, तो वी आर प्लानिंग टू डू फॉर आप तो वैसे भी महाराष्ट्र पैकेज स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपने 2 साल ऑलरेडी 2013 की स्कीम में आप एलिजिबल थे. सो उसमें भी आप बैठ नहीं सकते और 2019 स्कीम में भी नहीं बैठ सकते, बिकॉज योर प्रोजेक्ट हैज ऑलरेडी गॉन इनटू प्रोसेस. ओके सर, तो एनी अदर वे कैसे मैं कर सकता हूं? I think you discuss with some person who is dealing in subsidy in your area or in Aurangabad area, because we have to see your paper first and then only we can guide you. But in my opinion, 90% you are not eligible for subsidy. Apparently what I foresee. Sir, काफी सारे question ना food industry पे है. Exactly, सबको ये जानना है कि बाबा PSI plus food में 20% extra मिलता है. Yes,
जैसे देखिए फूड प्रोसेसिंग में अगर आप है तो 10% आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है PSI 2019 के स्कीम के अंतर्गत, परंतु महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी भी लेके आ गए हैं। PSI की पॉलिसी अगर आप स्टडी करोगे तो जो 2013 पॉलिसी में था कि इफ यू आर इन फूड प्रोसेस, जो डेफिनेशन के अंदर ही उन्होंने लिखा हुआ है मैकेनाइज्ड फूड एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन फॉलोइंग सेक्टर, डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, ग्रेन प्रोसेसिंग, फिश मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग, कंज्यूमर फूड इंक्लूडिंग पैक्ड फूड्स, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो दीज इंडस्ट्रीज आर कवर्ड एंड इन एडिशन टू दैट फॉर एस्टेब्लिशिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 10% एडिशनल बेनिफिट ओवर एंड अबव द बेनिफिट एज पर माई चार्ट इज एलिजिबल टू गेट द सब्सिडी। ओके ओके ओके, काफी सारे वैसे सिमिलर क्वेश्चन थे उसमें दिया मैंने। एंड देयर इज अनदर स्कीम आल्सो ना, चीफ मिनिस्टर एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, तो आप दोनों का मिलके 100% से तो ज्यादा ले नहीं सकते हैं। कंसीडरिंग ऑल द स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र यू कैन नॉट अवेल मोर देन 100% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट ऑफ। फिर आप वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ले लो, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ले लो, या टेक्सटाइल के अंदर भी कवर होता है, PSI में भी कवर होता है, तो 100% से ज्यादा नहीं मिलेगा। और इंटरेस्ट टेक्सटाइल में तो पहली बात है वो इंटरेस्ट बेनिफिट देते ही नहीं है टेक्सटाइल के अंदर। ओके, वो जो एक प्रोडक्ट है 5% इंटरेस्ट रिफंड इज नॉट एलिजिबल। ओके, एक क्वेश्चन है संजय जी धूत, आई एम हैविंग अ वेडिंग कार्ड मैन्युफैक्चरिंग MSME यूनिट इन पुणे, माय सेक्टर इज वेरी मच डिस्ट्रॉयड, आई हैव स्टाफ ऑफ 40 पीपल, do government have anything for me? See, as far as Pune is concerned, Pune comes under A part of Maharashtra. So sorry friend, if you have moved to any other D plus part of Maharashtra, you would have got the benefit, but Pune comes under A part of Maharashtra, and as far as Pune Municipal Council Limited Corporation Limited is concerned, there is no subsidy for any project in the within the Pune Municipal Council Corporation Limited. Okay, सर एक क्वेश्चन ऐसा है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सब्सिडी है क्या, और रिसाइक्लिंग प्लास्टिक मैन्युफैक्चर? यस, बोथ आर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बोथ आर कवर्ड अंडर PSI। एनी मैन्युफैक्चरिंग, इफ यू आर हैविंग MSME, आप अगर फॉर्म चेंज करते हैं रॉ मटेरियल का, यू आर मैन्युफैक्चरिंग। ओके ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लास्टिक और रिसाइक्लिंग और व्हाटएवर। ब्रिकेट प्रोजेक्ट सेटअप, बट आगे क्वेश्चन, ब्रिक्वेटेड फ्यूल बनाना चाहते हैं वो एग्रीकल्चर वेस्ट से, यस इट इज एलिजिबल टू क्लेम सब्सिडी अंडर महाराष्ट्र पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव, बिकॉज यू आर परचेसिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम फार्म वेस्ट एंड यू आर क्रिएटिंग अ वैल्यू एडिशन विच इज हैविंग अ प्रोडक्ट नेम ब्रिक्वेटेड फ्यूल, सो दैट ब्रिक्वेटेड फ्यूल इज अ फ्यूल फॉर अ बॉयलर, इट इज एलिजिबल फॉर सब्सिडी अंडर PSI 2019 अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू योर कॉस्ट ऑफ। सर एक सुयोग जी काबरा, इनका क्वेश्चन है, बिजनेस इज ऑलरेडी स्टार्टेड इन 2017 बट टेक ओवर इज हैपनिंग इन दिस ईयर, देन कैन वी अप्लाई फॉर PSI? सर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, बिकॉज फ्रॉम होम यू आर परचेसिंग, वेदर ही हैज अवेल्ड द बेनिफिट, देन विद द कंडीशन, विद द सैंक्शन, विद द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, द सब्सिडी कैन बी ट्रांसफर्ड, बट इफ the person from whom you are buying or if it is purchased through auction by the bank, then DIC NOC is must. Aise jo typical cases aap takeover mein le rahe, be cautious, first take the NOC to whomsoever he may be purchasing any SIC unit, either from nationalized bank or cooperative bank or directly from the existing promoter, please obtain no objection certificate from district industry center. Without that NOC certificate, don't purchase any closed unit, whether he has obtained the subsidy or not obtained the subsidy. That is the utmost importance in my opinion. Okay. Bharatji Tapadia, line pe ho kya? Hello. Yes, sir. Yeah, Jai Shri Krishna saab. Sir, mujhe, I am in construction, industrial construction mein hoon main. And right now I want to enter into a vertical vegetable farming. So some subsidy is there? Vertical vegetable farming, mein, it is a farming activity, it is not a manufacturing activity. Hence, I don't think there will be any subsidy available from manufacturing side.
अंडर पीएसआई 2000 टेक्सटाइल सब्सिडी आपका फार्मिंग एक्टिविटी है, वर्टिकल फार्मिंग है, इट इज अ फार्मिंग एक्टिविटी एंड आई थिंक यू कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम तालुका कृषि अधिकारी, बी इन टच विद डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, दे मे हैव सर्टन स्कीम अंडर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बट नॉट एज अ मैन्युफैक्चरर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रवीण जी बांगड. सर गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. सर दो क्वेश्चन थे, एक CLCSS एंड PSI दोनों एक साथ क्लेम कर सकते हैं क्या? सी CLCSS इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम which is given for technology upgradations in existing project, which is limited to 15 lakh rupees. If your project is appraised and approved by your financing bank under CLCSS scheme, and if comes under 48 sector, पहले ये open था, now the CLCSS के अंदर एक revised schemes आई है, और वो revised scheme के अंतर्गत उन्होंने अभी 48 sector restrict कर दिए है. If your projects comes under that 48 sectors, then you can take the CLCSS benefit of 15 lakh rupees under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. PSI और CLCS का कोई आपस में जोड़ नहीं है. अच्छा सर, और एक क्वेश्चन था. हेलो. यस सर. सर और एक क्वेश्चन ऐसा था कि अगर जगह किसी फर्म के नाम से ले लिए और उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी का एग्जम्पशन भी क्लेम किया है PSI में, लेकिन अभी यूनिट किसी और फर्म में चालू करना है, सेम फैमिली है, तो उसको आपने जैसे बताया, एक तो सब्सिडी ट्रांसफर करना रहेगा या नहीं? नहीं, सबसे बेस्ट है आप स्टैम्प ड्यूटी भर दो, जो स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन लिया है वो पेड कर दो, और आपके डॉक्यूमेंट रेगुलराइज कर लो, और जो जिस एंटिटी में आप प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं उस एंटिटी में दोबारा स्टैम्प ड्यूटी माफी मांगो. ओके ओके. That is the only option because see it is not मेरा stamp duty का benefit कितना हुआ, 1-2 lakh rupees का, परंतु उसके लिए मैं constitution change करके दूसरे नाम से project डाल दूंगा तो कैसे चलेगा? You have to either purchase the project or either you have to go for registered lease deed. The basic land on which your project is situated should have a legal title available with you. Otherwise bank primary security किसको लेगी? Don't consider, कभी भी project को subsidy के angle से मत देखो. You also consider from the angle of the financing bank. Okay, thank you. Sir, the next question is Ravindra Ji ka. Yes, sir. Is seed processing is eligible for MSME like soybean wheat seed business? Is seed processing यानी आप क्या कर रहे हो? Salting grading कर रहे हो? क्या कर रहे हो? Because salting grading is not a manufacturing. और seed processing, seed cleaning करते होंगे तो भी नहीं मिलेगा. पर सीड से ऑयल, वो ऑयल सीड से वॉश ऑयल बनाते होंगे, ऑयल बनाते होंगे, देन इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. सीड का सीड ग्रेडिंग एंड क्लीनिंग ओनली, देन यू आर एलिजिबल अंडर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, बट नॉट अंडर महाराष्ट्र पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव. ग्रेडिंग एंड सॉल्टिंग कर रहे थे सीड को. हाँ, इसके अंदर सीड के अंदर 2.25 crore का भी सॉल्टेक्स आता है और 30 lakh का भी सॉल्टेक्स आता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष जी वाघमारे. यस सर, पूछिए. अनम्यूट योरसेल्फ संतोष जी, अनम्यूट. एक मिनट मैं कर देता हूँ. हेलो. यस सर, संतोष जी. ओके. हाँ सर, नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छा सर आपने प्रेजेंट किया. थैंक यू सर. अभी लातूर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ मैं. निलंगा में सर मेरा संभा फूड्स एंड फ्लोर मिल बोल के आटा चक्की प्लांट है. मेरा सर प्रॉब्लम, DIC वाले ऐसा बोल रहे हैं, एक्चुअली मेरा प्रोडक्शन अगस्त 2019 में चालू हुआ और मैंने 2019 PSI में जो है CA साहब थ्रू जो है ऑनलाइन अप्लाई किया. वो मुझे ऐसा बता रहे हैं DIC के लोग कि आपका पोल्यूशन बोर्ड का जो ये जो इस्टेब्लिश सर्टिफिकेट है दिसंबर 2018 का, और ऑपरेट जो है पोल्यूशन बोर्ड का आपका सर्टिफिकेट है जुलाई 2019 का. तो हमें जो है कंफ्यूजन है भाई कि आपका 13 में लिया जाए या 19 में लिया जाए, एक बात होगी. दूसरी बात ऐसी है सर, और एक क्यूरी जो है ऐसा है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट में आटा चक्की प्लांट आता है
मेरी कैपेसिटी जो है डेली से 24 आवर में 40 टन की है, पूरा जो है ऑटोमेटिक है सर मेरा प्लांट। यार यू आर एलिजिबल बिकॉज सी यू आर कन्वर्टिंग व्हीट इनटू फ्लोर मिल, सो इट इज यू आर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द कमोडिटी। गेहूं में एज इट इज तो खा नहीं सकता हूँ, आटा में खा सकता हूँ उसकी रोटी बना के, सो यू आर कवर्ड अंडर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। वो क्या बोल रहे हैं सर कि आपका जो प्राइमरी में आता है और पीएसआई 19 में अगर लेना है भाई, तो आपका जो है सेकेंडरी और टर्शियरी ऐसा उसमें जो कंडीशन डाली गई है, तो पर आपका जो है आटा चक्की, आप चीफ मिनिस्टर एग्रो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में जाओ ना, वो 10% एक्स्ट्रा, तो पहले तो 70% को ही रोना चल रहा है, 80% को वो बोल रहा है कि कंसेंट टू ऑपरेट आपने जुलाई 19 में लिया। सी बेसिक कंडीशन है कंसेंट टू एस्टेब्लिश। कौन सी डीआईसी है आपकी? लातूर डीआईसी। आप एक बार है ना ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज से मिलिए औरंगाबाद में, ही इज अ वेरी थरो एंड स्टडीड जेंटलमैन। जोशी सर, जोशी सर, यस सर, वो जोशी सर से बात हुई सर, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट बलवंत जोशी सर से मेरी बात हुई, एकदम परफेक्ट आदमी है सर, पूरा जो है कोऑपरेटिव किया उन्होंने मुझे। 18 का जो है उन्होंने जो है 19 में लेने के लिए बोला है, पर अभी जो है एक कंडीशन जो है डीआईसी वाले बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे कि सेकेंडरी में आपका आता नहीं भाई, आपका जो है आटा चक्की प्लांट जो 40 टन पर डे का आपका कैपेसिटी है वो जो है प्राइमरी में आता है, इसलिए हम इसमें जो है ले नहीं सकते। और अगर 2013 में अगर आता है तो उसके लिए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, पर अगर पीएसआई 19 में लेना है तो सेकेंडरी और टर्शियरी में आपका आना जरूरी है, तो उसके लिए सर क्या कर सकते हैं? आपका सीए जो सीए हैंडल कर रहा है उसका क्या ओपिनियन है? उनका ओपिनियन है कि अब डीआईसी वाले ऐसा अगर बोल रहे हैं तो डायरेक्ट ऊपर से ही कुछ तो जो नोटिफिकेशन आना चाहिए, ऐसा वो मुझे सर बोले। आपके डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा पूरे डिटेल में, जोशी साहब ने अगर बोला है कि भाई ऐसा ऐसा है तो आई थिंक जोशी साहब विल नॉट मेक एनी लॉस टू एनीबॉडी, उनका ओपिनियन को सर आंखों पे रखना पड़ेगा, बट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें बाद में ही आपका डिसीजन ले पाएंगे। देर इज अ चैंपियन पोर्टल, चैंपियन पोर्टल अभी ऑनरेबल एमएसएमई मिनिस्टर ने डेवलप किया है, इफ यू हैव एनी रिजर्वेशन, सी यू आर प्रोड्यूसिंग, वो टर्शियरी है क्या फाइनल है? मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैंने 40 टन का प्लांट लगाया है और मैंने मशीनरी के द्वारा ये प्रोडक्शन कर रहा हूँ, सो गवर्नमेंट शुड कम आउट विद अ क्लैरिटी अबाउट टर्शियरी एंड सेकेंडरी। केवल शब्द बोलने से तो आई थिंक योर केस हैज टू बी स्टडीड एंड डिस्कस्ड। सर द नेक्स्ट क्वेश्चन है नितिन जी का, पूछना चाहते हैं कि होटल और मंगल कार्यालय के लिए कुछ सब्सिडी है क्या? नो, नहीं। ओके ओके, मंगल कार्यालय नहीं आता, इट इज नॉट ए प्रायोरिटी सेक्टर। होटल इंडस्ट्री भी टूरिज्म पॉलिसी में कवर होती है, बट सर्टन विद रिस्पेक्ट टू द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब बाय इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एंड दोस गाइडलाइंस आर वेरी स्ट्रिक्ट। अभी एक क्वेश्चन ऐसा था सर, एमआईडीसी में काफी सारे यूनिट ऐसे रेंटेड प्रीमाइस में रेंटेड में है जिसमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं किया है, रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट, तो केस में सब्सिडी अवेल करने के लिए कुछ ऑप्शन है क्या? सर सबसे पहले तो आप इलीगल काम कर रहे हो ना, हाउ आई कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? यू आर एनक्रोच्ड द प्रीमाइसेस विदाउट द परमिशन ऑफ द लैंड ओनर। मेरे घर में अगर आप घुस गए, कोई इंडस्ट्री चालू कर रहे हो और ऊपर से बोलेंगे मुझे सब्सिडी अदा करो, तो हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज एमआईडीसी लैंड कैन नॉट बी गिवन ऑन रेंट, द ओरिजिनल लेसी हैज टू टेक द परमिशन ऑफ एमआईडीसी। जिसको मैंने किराए पे जगह दी वो पुट भाड़े करो, किराए कैसे क्या रख सकता है? So the illegal contract is illegal ab initio. So why you are worried about the subsidy? Mil nahi sakti hai aur koi bhi nahi kar sakta hai. Kuch logo ka jo sawal hai consultant ka number chahiye to maine wo group mein share kar diya hai, sir ka number aur email id bhi, sir se contact kar sakte hai chote mote questions ke liye. And the next is spices grinding ke liye kaun si subsidy hai and without MIDC land pe subsidy milti hai kya? MIDC लैंड के बाहर भी सब्सिडी मिलता है, प्रोवाइडेड द लैंड द प्रोजेक्ट इज एस्टेब्लिश ऑन इंडस्ट्रियल एन ए लैंड, सेकंड द प्लान इज अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट इज टाउन प्लानिंग। म्यूनसिपल काउंसिल लिमिट्स के अंदर म्यूनसिपल जिसको नगर रचनाकार बोलते हैं
और म्युनिसिपल काउंसिल के बाहर होगा तो द प्लान शुड बी अप्रूव्ड बाय द टाउन प्लानर. सो टू कंडीशन यू हैव टू फुलफिल. फर्स्ट वन दैट द प्रोजेक्ट शुड बी सिचुएटेड ऑन इंडस्ट्रियल एन ए लैंड एंड सेकंड द प्लान शुड बी अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. फूड प्रोसेसिंग के अंदर स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग कवर होता है, इजीली कवर होता है. अपने नंदुरबार जिले में है, चिली का बहुत बड़ा उत्पादन होता है. एवरीबॉडी हैज टेकन द बेनिफिट. सर अभी आपका समय कैसा है ताकि क्योंकि क्वेश्चंस आर सो मेनी. सर आप पे निर्भर है, मुझे और 5-10 मिनट में बैठ सकता हूँ. संडे है थोड़ा सा अभी. अदरवाइज देन द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम स्टार्टिंग अ न्यू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेलिंग अदर वेंडर्स प्रोडक्ट. व्हाट ऑल whether I am eligible for it. But वो trading हो गया. ये तो trading हो गया. You are a trader. आप जो platform तैयार कर रहे हो e-commerce का, अगर वो ITITS policy में cover होता है, if the owner is different and the trader is different, वो IT platform अगर उसने आपको rent पे दिया या charge करके दिया, तो जो IT platform develop करने का खर्चा है, वो just see whether IT policy में cover होता है. Okay. सर सीए अमित जी रांदड़ का दोबारा एक क्वेश्चन है. अमित जी लाइन पे आ जाइए. सौरभ जी आपका भी कुछ क्वेश्चन है क्या? हेलो हेलो. यस सर सौरभ जी. हेलो सर, अमित बात कर रहा हूँ. हाँ अमित जी. सर जय महेश सर आपको. यस जय महेश. और बहुत बढ़िया सेमिनार हुआ सर. मेरा क्वेश्चन ऐसा है सर कि सपोज अभी PSI को अप्लाई करते समय वो 50 करोड़ और 250 करोड़ का लिमिट में मैं बैठता हूँ, लेकिन बाद में अगर टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर चला जाता है तो वो केस में हमने जो स्कीम अवेल की हो, बास्केट अवेल किया हुआ है 10 साल में से 2 साल 3 साल, उसका क्या है और रिमेनिंग सब्सिडी का क्या रहेगा? सर अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना क्लैरिफिकेशन PSI 2019 के बारे में है, आफ्टर चेंज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डेफिनेशन ऑफ MSME क्लैरिफिकेशन अवेटेड है. बिकॉज आपको जो क्वेश्चन है, ऐसे कई बार हो सकता है एक साल में 200-250 करोड़ के ऊपर चल जाऊँ, दूसरे साल 250 करोड़ के अंदर आ जाऊँ. सो मेरा हर साल स्टेटस बदलने वाला है. सो इसका क्लैरिफिकेशन अवेटेड है. वंस द क्लैरिफिकेशन इज रिसीव्ड, इन माई ओपिनियन महाराष्ट्र गवर्नमेंट PSI 2019 का क्लैरिफिकेशन या अडेंडा निकालेगा. इफ दैट अडेंडा इज केम टू नो देन I will be able to guide you. Okay, sir. Thank you. As on today, there is no guidance. So, what to do, sir, as of now, today? Wait and watch. If आपका turnover बढ़ रहा है, तो उसको मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि आप उसको रोको. Okay, sir. Thank you very much, sir. Welcome, sir. रमन जी, mobile number कहाँ share किया है, बोले sir आप sir का? मैंने sir का mobile number chat box में लिख दिया है. सर वापस लिख सकते हो क्या? मैं मीटिंग से एग्जिट हो गया था. लिख दूंगा. उसके अलावा सर से जो PDF फाइल आएंगी उसमें भी है. सबको बोल दो, सारे ग्रुप में यूट्यूब पे सब तरफ सर का नंबर डाल दूंगा. ओके चलेगा. अगर ग्रुप में फिर से एक बार डाल दोगे तो हम सेव कर लेंगे. प्लीज तुरंत डाल देता हूँ. यस सर. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. लास्ट क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो तुरंत. यस. गुड इवनिंग सर, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन. सर मेरा क्वेश्चन था फूड प्रोसेसिंग के लिए पैकेज PSI 2019 में बोला है कि एडिशनल 20% एंड 2 इयर्स एडिशनल मिलता है. सो जो एग्जिस्टिंग सीलिंग लिमिट है फॉर एग्जांपल 50% एंड 10 इयर्स, तो वो जगह पे हमको 70% एंड 12 इयर्स का मिलता है या कैसा है सर वो? वो तो सीधी बात है ना. सी द टोटल क्वांटम ऑफ इंसेंटिव फॉर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड टर्शियरी प्रोसेसिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन mentioned in para eligible green energy bid carrying out industry will be 20% over and above the limit mentioned above. तो जो मेरा ऊपर का 50 है उसकी जगह 70% मिलेगा. 20% limits over and above and such units will get 2 more years. मतलब क्या होगा, जो 10 साल की जगह 12 साल में मेरा cap divide होगा. सर तो सर ये केस में जो अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो मैं PSI स्कीम के अंडर ये टोटल जो है इंक्लूडिंग 20% का वो प्लस चीफ मिनिस्टर एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग के अंडर का जो है वो और जो प्रधानमंत्री संपदा योजना, ये तीनों में अवेल कर सकता हूँ? सर 100% से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम अप टू 100%. मैक्सिमम 100% और प्रधानमंत्री एडिबल. हाँ सर. यस सर. यस प्लीज कंटिन्यू. सर एडिबल ऑयल फूड प्रोसेसिंग में आता है सर? यस डेफिनेटली. प्रधानमंत्री सेंट्रल में आता है सर, तो वो सेपरेट ही रहेगा. प्रधानमंत्री का दिक्कत ऐसा है, द प्रोजेक्ट शुड बी
सिचुएटेड इन डेसिग्नेटेड फूड पार्क। मैंने स्टैंड अलोन जगह के ऊपर फूड प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट डाला तो वो सब्सिडी दे नहीं रहे। 2017 में जब उनकी पॉलिसी आई थी उन्होंने ये कहा था प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश्ड इन द डेसिग्नेटेड फूड पार्क, और बाद में उन्होंने बोल दिया कि केवल फूड पार्क में जो प्रोजेक्ट बनेंगे उन्हीं को सब्सिडी देंगे। सॉरी, अनम्यूट योरसेल्फ सर। सर वो सर, तो ये केस में जो मेरा मशीनरी है प्लांटर मशीनरी फॉर फूड प्रोसेसिंग, तो मैं उसका CLCSS के अंडर में 15% अवेल कर सकता हूँ क्या, अगर वो उसमें लिस्ट में रहेगा तो? CLCS में अगर लिस्ट में कवर हुआ है तो मिलेगा। ओके, और वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होना, क्योंकि ऑयल मिलिंग की मशीनरी कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी वाली है, इट्स अ प्रूवन टेक्नोलॉजी। ओके, सभी लोग वही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, सो व्हाट न्यू यू आर डूइंग, how you can differentiate that I have another a new technology. Okay sir, sir questions abhi bhi aa rahe hain but kahan tak to bhi apne ko end karna padega. Yes sir, please. Aur jis kisi ko bhi abhi kuch bhi sawal hai aap sir ka appointment leke aap sir se baat kar sakte hain kabhi bhi. Aur sir thank you so much again, aur honestly mujhe bahut acha laga ye session, aapne jo bhi information di ऑलमोस्ट सीए लोगों को बहुत काम में आएंगी क्लाइंट को सर्व करते समय, और आपका जो पीडीएफ फाइल है काफी यूजफुल लग रहा है, और मैक्सिमम लोगों का रिक्वायरमेंट आया है व्हाट्सएप पे कि सर का पीडीएफ फाइल शेयर कीजिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए टेक्निकल सेमिनार जो बोलते हैं अपन, टेक्निकल इश्यूज दैट वी कैन हैव सेपरेटली, बट सिंस सम इंडस्ट्रियलिस्ट आर आल्सो आई हैव नॉट कवर्ड टेक्निकलिटीज ऑफ दिस स्कीम्स, बट थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन. And thanks, you are doing immensely very good work for your own community, because this type of program should be held for our own community, from where the young people, now this is the biggest issue with each and every family, what to do for our young student, everybody becoming graduate and software engineer and everything, and they are moving away from their family. किसी को एक लड़का है और वो पुणे बॉम्बे नागपुर औरंगाबाद और दिल्ली बंगलोर जाके जॉब कर रहा है. Instead of that, and he comes and join with his family and establish a manufacturing unit and avail the benefit. So hats off to you young people on behalf of this Maheshwari Yuva Mandal. You are extremely and definitely doing a very honorable job. Sir, thank you so much. आपका session, जितने भी मैंने session organize किए उसमें बहुत अच्छा crowd आया, और उसमें crowd maintain भी था आज. अदरवाइज बहुत बार क्या होता है क्राउड निकल जाता है, जो अटेंडीज है कुछ देर के बाद निकल जाते हैं, आज सब बने रहे. गर्दी से दर्दी लोग होना चाहिए, गर्दी से क्या करना है. और मैं कोशिश करूंगा सर, ये सीए इंस्टीट्यूट के तरफ से भी एक बार टेक्निकल हुआ तो बढ़िया रहेगा. मैं औरंगाबाद सीए ब्रांच के चेयरमैन से मैं बात करूंगा एक बार. यस सर. बजरंग जी आप हो क्या? शायद बजरंग जी नहीं है. सर अभी सेशन एंड करने का परमिशन दीजिए सर. थैंक यू सर, वेलकम. थैंक यू वेरी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सर. आई एम